नोबल पुरस्कार है उनका दोस्तों इतिहास क्या है, तो देखिए नोबल दोस्तों अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट्स के दोस्तों आविष्कार इन्होंने किया था। 1901 के अंदर नोबल पुरस्कार की शुरुआत होती है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुरस्कार में से एक है आपके नोबल पुरस्कार। 6 दोस्तों एरिया है जिसमें नोबल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। अगर पूछो कौन कौन से, तो मेडिसिन दोस्तों चिकित्सा है, फिजिक्स भौतिकी है, रसायन शास्त्र दोस्तों केमिस्ट्री है, साहित्य लिटरेचर है, अर्थशास्त्र दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स है, और शांति दोस्तों आपके पीस है। पर ध्यान रखना जब शुरुआत दोस्तों हुई थी ना, तब दोस्तों केवल और केवल 5 ही दोस्तों क्षेत्र थे जो इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों जो एरिया है वो 1968, मैंने कहा आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, पर ध्यान रखना 1968 में दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की आपकी स्थापना होती है और 1969 में दोस्तों पहली बार दिया गया। अगर बात करूं ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहां दिए जाते हैं, देखो 5 जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो तो देते हैं आप स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दोस्तों, बाकी दोस्तों एक जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला वो ध्यान रखना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखिए चिकित्सा का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 वो किसको दिया गया, देखिए जो जिन्हें मिला है उनका नाम है स्वांते दोस्तों पावो। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे दोस्तों ट्रिक्स याद करवाई थी सुबह वाली क्लास के अंदर। देखो पावो दोस्तों, इस पावो को आप क्या करिएगा, इसे दोस्तों ध्यान रखिए पावियो दोस्तों बोलना है आपको, जिसमें बायो दोस्तों वर्ड आपको सुनाई देगा। बायो दोस्तों मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों हो गया चिकित्सा या फिर मेडिसिन जो है ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया। या फिर दोस्तों आप ऐसे ध्यान रख लेना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिए स्वांते पावो ने पा लिया। जैसे ही दोस्तों आप 2-3 बार इसको बोलोगे ना कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया, स्वांते पावो ने पा लिया, या फिर दोस्तों आप पावो से ध्यान रखिएगा बायोलॉजी, इससे आपको याद हो जाएगा। किसके लिए मिला दोस्तों, तो मानव के क्रमिक विकास पर दोस्तों खोज करने के लिए, इस पर बल देने के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं सबसे, देखिए फोटो आपके सामने स्वांते पावो द नोबेल प्राइज इन दोस्तों आपके मेडिसिन 2022 ये दिया गया इन्हें। आइए नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों, और याद करने की दोस्तों गजब की ट्रिक है। पहले तीनों नाम देख लीजिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, डायमंड दोस्तों, एक तो डगलस डायमंड है, एक दोस्तों बेन बर्नानेक है, और तीसरा नाम दोस्तों फिलिप डाइबिक जो है ये तीसरा नाम है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो हमें दो ही चीज याद करनी है, एक तो किसे दोस्तों दिया गया और एक क्यों दिया गया। अब ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, परीक्षा में 4 नाम पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो ट्रिक देख के दोस्तों आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स की ट्रिक है दोस्तों, तो पैसा डायमंड की दोस्तों बात होगी। अब दोस्तों शादी के बाद जो आपकी सोना बाबू है उसने आपसे डायमंड मांगा, अब दोस्तों आपको देना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो डायमंड बैन हो गया डोपिया। डोपिया दोस्तों ध्यान रखिए डायमंड बैन हो गया डोपिया, इससे इस लाइन को याद कर लेना और दोस्तों अपने आप जो है वो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखो डायमंड दोस्तों बात करूं मैं, डायमंड से बन गया दोस्तों डगलस डायमंड, बैन से क्या बना दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैन से बना दोस्तों बैन बर्नानेक, और बात करूं आपसे डोपिया दोस्तों ध्यान रखना इससे क्या बना दोस्तों आपके डायबेरिक धनना आपके डोपिया से बन गया। तो ध्यान रखना डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किस क्षेत्र के लिए मिला है लिखना, बैंक और दोस्तों वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों ये नोबेल नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किने मिला और क्यों मिला, एक बात दोस्तों नोट कर लेना, मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, ये 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 दोस्तों ये स्टार्ट होता है। तो इसका दूसरा नाम जो है कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछ लेना कि दोस्तों स्वर्जी रिक्स बैंक प्राइज दोस्तों किसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों नोट कर लेना आप, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है, ये वर्ड भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों पहला पुरस्कार मेडिसिन वाला दोस्तों मेडिसिन बायो स्वांते पावो, पूछे इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों डायमंड बैन हो गया डोपिया। आइए बात करते हैं थर्ड दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये फोटो आपके सामने जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है देखिए ये बैंक दोस्तों नाम जो है यहां पर लिखा हुआ है, और ये दोस्तों आपके सामने है आपके इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022, इन तीनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए शांति का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है
पीस दोस्तों, शांति की बात करूं मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार में से एक दोस्तों यही वाला पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो किसे दोस्तों दिया गया, तो एक दोस्तों व्यक्ति है और दो संस्थान है जिसको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। इस समय दोस्तों आप सभी जानते हैं 2022 में सबसे बड़ी संकट दोस्तों रूस यूक्रेन का जो वार है, रूस यूक्रेन दोस्तों युद्ध जो है वो सबसे बड़ा संकट था, उसी में दोस्तों जिन्होंने काम किया है उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए एक है एलिस दोस्तों, एलिस बियालिट्स की दोस्तों एक व्यक्ति है, और दो संस्थान है मेमोरियल जो कि रूस की संस्थान है, और दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन की संस्थान है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये संस्थान दोस्तों कौन से, ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेमोरियल है या फिर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, ये कौन से देश की आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, और किसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अपने देश के अंदर शांति लोकतंत्र स्थापना करने के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कैसे दोस्तों याद करोगे, देखो गजब की दोस्तों ट्रिक है, ध्यान रखिएगा और आपको एक ही बार में याद होगा। देखो एलिसा दोस्तों, एक आपके एलिसा होती है दोस्तों, आपके एलिसा जो है वो रूम में दोस्तों एक व्यक्ति, एक लड़की है एलिसा, वो रूम में दोस्तों शांति से बैठी हुई थी, तो हमने उससे पूछा एलिसा रूम में क्यों बैठी हो शांति के लिए, तो ध्यान रखना एलिसा रूम में क्यों बैठी हो शांति के लिए, जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो इस ट्रिक के अंदर आपको मिल जाएंगी। देखो पहली बात दोस्तों एलिसा मैंने कहा एक व्यक्ति है, ध्यान रखना एलिस दोस्तों बियालिट्स की जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। रूम में देखो दोस्तों मैसे बन गया, ध्यान रखिएगा मेमोरियल, क्या बना मैसे बना दोस्तों मेमोरियल, और रू से बना ध्यान रखिएगा रूस है, तो आपको ये भी याद हो गया कौन सी संस्था को मिला है, और दोस्तों ये भी याद हो गया कि कौन से देश की संस्थान, तो अब ध्यान रखना एलिसा रूम मेमोरियल दोस्तों रूस। अब देखो आगे क्यों दोस्तों, क्यों से देखिए यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा यूक्रेन, तो ध्यान रखना क्यों से दोस्तों बन गया आपके यूक्रेन, और दोस्तों बैठी से बन गया ध्यान रखना लिबर्टी। देखो अगर पूछे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां का दोस्तों इंस्टीट्यूट है, ये आपके यूक्रेन का है, तो ध्यान रखिए। और देखो ये किसका नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है, आपको याद नहीं करना, कई कई बार समस्या दोस्तों क्या होती है, हम याद तो कर लेते हैं ये वाली ट्रिक है, पर ये भूल जाते हैं कि ये वाली ट्रिक फिजिक्स की थी या इकोनॉमिक्स की थी या दोस्तों केमिस्ट्री की थी। देखिए शांति के लिए दोस्तों बैठी हुई है, तो ध्यान रखना शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो शांति के लिए, एलिस दोस्तों बियालिट्स की, मेमोरियल संस्थान रूस का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन की संस्थान, और शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिया गया। तो पहला वाला दोस्तों मेडिसिन बायो पावो, ध्यान रखना। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स है, डायमंड बैन हो गया डोपिया। थर्ड तो कौन सा है, पीस या शांति का है, तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो शांति के लिए। अगला देखिए फोटो आपके सामने दोस्तों, एलिस दोस्तों बियालिट्स की, साथ में मेमोरियल संस्थान, और ये दोस्तों आपके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों को दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। फोर्थ नंबर देखना दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो ये दोस्तों एनी अर्नोक्स जो है इन्हें दोस्तों आपके, एक फ्रेंच दोस्तों राइटर हैं एनी अर्नोक्स, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब बात दोस्तों ये है कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया, लेखन में साहस दोस्तों, साथ में संवेदनशीलता दिखाने के लिए दोस्तों आपके ये जो बड़े बड़े दोस्तों मुद्दे हैं उन्हें आसानी से दोस्तों पेश करना, लेकिन साहस भी हो उसमें और संवेदनशीलता भी हो उसमें, ऐसा दोस्तों किसने किया, एनी अर्नोक्स ने किया, इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अब आप पूछोगे सर याद कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों लेखक, अगर कोई दोस्तों आप राइटर के किसी के घर पे जाते हो तो लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है, वो भाई साहब सुदर्शन चक्र फेंक कर भी दोस्तों मार सकता है, ध्यान रखिए लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। देखो सही से बन गया दोस्तों क्या, सही से बन गया साहित्य, क्या बन गया साहित्य दोस्तों, और नॉक से बन गया क्या, नॉक से बन गया दोस्तों देखिएगा एर्नोक्स, क्या बन गया एर्नोक्स, या फिर दोस्तों लेखक से बन गया दोस्तों आपके किसका नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और दोस्तों नॉक से बन गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों नॉक से बन गया आपके क्या, ये दोस्तों एनी अर्नोक्स जो है नॉक से बन गया, तो लेखक के दरवाजे को नॉक नॉक करना
सही नहीं है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। तो बावो बायो, अगर पूछे आपसे डायमंड दोस्तों, डायमंड बैन हो गया डोपियो इकोनॉमिक्स वाला, अगर पूछो दोस्तों आपसे लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है, ये दोस्तों आपके साहित्य वाला एनी एरनॉक्स का। और पीस वाला, शांति वाला पूछो दोस्तों, तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। आइए अगला फोटो देखो, देखिएगा एनी एरनॉक्स आपसे सामने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार लिटरेचर 2022 जो है प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान दो बचे दोस्तों, और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों को याद करने की जबरदस्त दोस्तों कतई जहर लल्लन टॉप ट्रिक है। रसायन साथ अगर पसंद आए ना दोस्तों, लाइक जरूर करना वीडियो को, बड़ी मेहनत, मतलब दोस्तों आपको 10 मिनट में बता रहा हूं जरूर मैं नोबेल पुरस्कार, पर इन्हें बनाने में दोस्तों आपके 1-2 घंटे लगे हैं, सोचना पड़ता है क्या ट्रिक बनाऊं जिससे मेरे रसगुल्ले के दिमाग में सेट हो जाए। देखिए अगर बात करो दोस्तों रसायन या फिर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, देखिए तीन दोस्तों नाम है, मॉर्टन दोस्तों मेंडल है, एक कैरोलिन दोस्तों बर्टोजी है, और एक दोस्तों बैरी सार्प्लेस है, और किसके लिए मिला दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए दिया गया। अब देखो आपको ये भी दोस्तों याद करा दूंगा किसके लिए मिला, ये भी दोस्तों याद करवा दूंगा किसका नोबल है, और ये भी दोस्तों किन्हें ये नोबल पुरस्कार दिया गया। आपने दोस्तों नाम सुना है मेंडल का, भाई साहब बड़ा दोस्तों फेमस व्यक्ति थे मेंडल, ग्रेगर जोन मेंडल अनुवांशिकी वाले। अब दोस्तों पिता जब इतना तेज है दोस्तों, तो बेटा भी दोस्तों बड़ा तेज होगा ना, तो देखिए मेंडल का बेटा बैरी शार्प, दोस्तों ध्यान रखिएगा मेंडल का बेटा दोस्तों क्या है, बैरी शार्प है। तुरंत दोस्तों क्या करता है, तुरंत किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है, क्या तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को करता है याद कर लेता है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को मेमोरी में ले आता है, मतलब उसे क्लिक कर लेता है। तो मेंडल का बेटा दोस्तों बैरी शार्प है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। देखिए अगर पूछे आपसे मेंडल दोस्तों, देखना मेंडल से बन गया दोस्तों आपके मॉर्टन मेंडल, अगर पूछे बेटा दोस्तों लिखना, इससे बन गया दोस्तों कैरोलिन बर्टोजी, इससे बन गया। और बैरी शार्प देखो, अरे नाम ही दोस्तों क्या है इसका, इसका नाम ही बैरी शार्प, ध्यान रखिएगा। तो मेंडल, बर्टोजी और बैरी शार्प लेस, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री का दोस्तों नोबेल पुरस्कार, और देखिए किसके लिए मिला दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों बायोलॉजी वाला, पाबो बायो दोस्तों मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको बताया, डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपियो। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया किसके बारे में, शांति के बारे में दोस्तों, और शांति एलिसा रूम में क्यों बैठी हो दोस्तों, शांति के लिए ध्यान रखना। फोर दोस्तों डिस्कस किया हमने साहित्य का दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। और फिफ्थ दोस्तों हमने डिस्कस किया है, और वो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का दोस्तों, और मैंने आपको डिस्कस किया इसके अंदर कि मेंडल का बेटा बैरी शार्प है, और दोस्तों तुरंत क्लिक करने वाली ये बात है। आगे देखिएगा रन लास्ट दोस्तों, पहले फोटो देख लीजिए, आपके सामने फोटो है बर्टोजी दोस्तों, ये देखना आपके सामने मेंडल है, और ये दोस्तों आपके शार्पलेस है। इन तीनों को क्लिक दोस्तों केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दोस्तों दिया गया। अंतिम नोबेल पुरस्कार, और भाई साहब झिंगा लाला टाइप का नोबेल पुरस्कार है, और वो है फिजिक्स या फिर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा किसे नोबेल पुरस्कार मिला, और दोस्तों आपके किस क्षेत्र में मिला है, देखना तीन दोस्तों व्यक्तियों को मिला है। एंटन दोस्तों जिलिंगर, पहला नाम है एंटन जिलिंगर, सेकंड दोस्तों नाम है एलियन एस्पेक्ट, इसका सेकंड नाम है, थर्ड दोस्तों व्यक्ति है जॉन क्लोजर। तो ध्यान रखना एंटन जिलिंगर, एलियन दोस्तों एस्पेक्ट, और जॉन क्लोजर को ध्यान रखिए फिजिक्स या फिर दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स इसके अंदर काम करने के लिए दिया गया। अब सुनो फिजिक्स में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन दोस्तों, वो सेब जो है न्यूटन ने गिरते हुए देखा, और फिजिक्स दोस्तों इसका इजाद हो गया। अगर भाई साहब वो सेब जो है न्यूटन की खोपड़ी में दोस्तों गिर गया होता, तो सोचो ना फिजिक्स होती और ना फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। सुनो एलियन अगर क्लोज आ गया, अगर सोचो दोस्तों न्यूटन बैठा हुआ है और दोस्तों उसके एलियन जो है अगर उसके क्लोज आ गया, सोचो न्यूटन दोस्तों बैठा हुआ है, सेब को दोस्तों देख रहा है, इतने दोस्तों एक एलियन जो इसके पास में दोस्तों आकर खड़ा हो गया, तो एलियन अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन का दोस्तों झिंगा लाला तय, ध्यान रखना। अगर एलियन दोस्तों क्लोज आ गया तो न्यूटन जो बाबा है दोस्तों इनका झिंगा लाला जो है तय। अब देखो अगर बात को दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला, इससे दोस्तों बन गया, देखिए झिंगा लाला दोस्तों जिलिंगर, ध्यान रखिएगा, और
और ये भी रसगुल्ला क्या है एक तरह से देखना, एंटन दोस्तों न्यूटन, ध्यान रखना एंटन दोस्तों न्यूटन, तो एंटन जिलिंगर ये बन गया दोस्तों न्यूटन चिंगालाला, और न्यूटन से दोस्तों क्या बन गया फिजिक्स, ध्यान रखना न्यूटन से बन गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एलियन से बन गया एलियन एस्पेक्ट, और क्लोज दोस्तों बन गया इसके जॉन क्लोजर जो है इससे बन गया, और क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स जो है इसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो याद करो दोस्तों बायो वाला नोबेल पुरस्कार जो है, अरे मेडिसिन दोस्तों बायो पावो ध्यान रखना ठीक है। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए डायमंड बैन हो गया डोपियो। थर्ड दोस्तों याद करो आप शांति के लिए दोस्तों कौन सा है, एलिसा रूम में क्यों बैठी हो शांति के लिए। फोर्थ दोस्तों याद करो आप सभी, फोर्थ वाला दोस्तों किसके लिए साहित्य के लिए, ध्यान रखना दोस्तों लेखक के, दोस्तों लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। फिफ्थ दोस्तों याद करना आप सभी केमिस्ट्री के लिए कौन सा है, याद करो दोस्तों केमिस्ट्री के लिए मेंडल का दोस्तों बेटा बेरी शार्प है, तुरंत दोस्तों क्लिक करता है। और सिक्स दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला, ध्यान रखना दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है एलियन दोस्तों अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन दोस्तों झिंगा लाला हो गया। तो ध्यान रखिए ये छह दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मेरे शेयर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। 14 फरवरी का दोस्तों वो दिन जब नल्ला पाकिस्तान ने ओछी हरकत की थी, पुलवामा दोस्तों पीछे से अटैक किया था, उन सभी शहीदों के लिए समर्पित ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के अंदर इस क्लास को उस हर वीर जवान तक पहुंचा देना जो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सीमा पर खड़ा हुआ है कि हम शांति से यहां पर बैठकर अपनी तैयारी कर सके, हम हमारे त्यौहार बना सके। आपका स्वागत है। और ध्यान रखना दोस्तों हमेशा आप इस बात को नोट कर लेना कि ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है सबको देख लेंगे। आइए स्वागत है आप सभी का, मेरे साथ में बिल्कुल अंतिमा, आयुष, जीहान, श्रद्धा, प्रज्वली, उष्मान, प्रियांशु, बिल्कुल सभी का दिल को का स्वागत है। और ध्यान रखना तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। 14 फरवरी 2023 दैनिक समसामयिक की परीक्षाओं को नस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, फिजी में 15-17 फरवरी तक होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, नितिन गडकरी द्वारा दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली अनमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम को किया लॉन्च, नमस्ते योजना को देश की सभी शहर स्थानीय निकायों तक किया जा रहा विस्तारित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को किया समर्पित, 13 फरवरी को रेडियो एंड पीस थीम के साथ मनाया गया विश्व रेडियो दिवस, अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का किया उद्घाटन, रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का पुणे में किया गया आयोजन, रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता फीफा क्लब विश्व कप,
गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश बनी सोनिया गोकाणी। आइए स्वागत दोस्तों आप सभी का पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया पहला सुंदरवन वर्ल्ड फेस्टिवल। देखिए आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जा मन बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। आइए स्वागत है आपका, लग चुकी है तलम मंजिल की, लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा, ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, पड़ोसी कहता है तुझसे ना हो पाएगा, वो बार बार आपको कहेगा कि तू नहीं कर सकता, पर ध्यान रखना इस लाइन को अपने दिल में उतार लीजिएगा। और इस लाइन पर दोस्तों पेन टपक गया है तो महत्वपूर्ण लाइन आपके लिए कि अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतना पसीना बहाना, इतनी मेहनत करना कि कुछ भी हो जाए आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। स्वागत है आपका और मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं। आइए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जय हिंद का नारा आज गूंजना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जितने भी जो भी 50,000 स्टूडेंट क्लास देखने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि जय हिंद का नारा आप सभी के द्वारा आज गूंजना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और यह आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर एक, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर दोस्तों किया गया। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन बनने वाला है कि किशन रेड्डी दोस्तों कौन है वर्तमान में भारत के केंद्रीय मंत्री, कौन सी मिनिस्ट्री दोस्तों इनके पास में, तो ध्यान रखिएगा इनके पास में संस्कृति दोस्तों, जो पर्यावरण मंत्री है ना, संस्कृति दोस्तों जो आपके कल्चर जो मिनिस्टर है वर्तमान में वो है जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी है। इनके द्वारा दोस्तों क्या हुआ है, इनके द्वारा ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, चौथा जो आपके आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया। अब आप पूछोगे कि सर आसियान जो भारत युवा दोस्तों शिखर सम्मेलन है ये कहां आयोजित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा तो युवा जो सम्मेलन है ध्यान रखना इसका दोस्तों आयोजन जो है वो हैदराबाद में हुआ है। कहां पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ है। यह भी आपको याद हो गया कौन से नंबर का है, फोर्थ नंबर का है, आपको ध्यान रखना। तो संस्कृति जो मंत्री हमारे जी किशन रेड्डी उन्होंने इसका शुभारंभ किया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो आसियान के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको लिखवाऊंगा, पर यहां पर दोस्तों सवाल पूछा गया है कहां दोस्तों इसका आयोजन किया जाए, दोस्तों नोट करना आपके, हैदराबाद ऑप्शन नंबर बी जो है यहां दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है। हैदराबाद की बात है तो एक सवाल अभी नोट कर लो, अगर पूछूं दोस्तों आपसे स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहां दोस्तों आपके निर्माण होता है, इसका जो निर्माण है वो हैदराबाद के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया का दोस्तों फर्स्ट गोल्ड एटीएम, लिखिएगा इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम ये कहां दोस्तों बनाया गया, तो भी ध्यान रखिए दोस्तों इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड एटीएम है ये भी हैदराबाद के अंदर स्थापित हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे जो हैदराबाद है ये कब दोस्तों 1948 में हमने इसको भारत में विलय किया था, और किस ऑपरेशन दोस्तों लिखना आपके, ऑपरेशन जो पोलो है इसके द्वारा दोस्तों हमने इसका भारत में विलय किया है। अगर पूछो इस दोस्तों युवा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, मतलब जो यूथ है दोस्तों आसियान देशों की यूथ और जो भारत दोस्तों यूथ है उनके बीच में दोस्तों आपके संस्कृति संबंधित आपके रहन सहन खान पान वेशभूषा इनका दोस्तों कोऑर्डिनेशन हो सके, ये इसका उद्देश्य छापे दोस्तों। जो युवा है, युवा दोस्तों क्या हो आपके, जो भी संस्कृति है, जो कल्चर है, रहन सहन खान पान वेशभूषा इसका तालमेल स्थापित हो सके, इसके बारे में दोस्तों आपके सम्मेलन की थीम है। और ध्यान रखिएगा हैदराबाद ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आयोजन हुआ। अब आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा सर आसियान क्या है, चलिए दोस्तों देखते हैं आपके सामने जो आसियान दोस्तों देखिएगा ये आपके सामने 11वां मेंबर मैंने लिखा है यहां पर आसियान का, अभी हाल ही में 11वां दोस्तों मेंबर कौन बना वो दोस्तों नोट करना आपके। तो अगर पूछूं मैं आपसे आसियान, नोट कीजिए दोस्तों आसियान जो है पहली बार दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, ये नोट करना 1967 में इसकी स्थापना होती है। कितने मेंबर दोस्तों शामिल है इसमें, 10 मेंबर शामिल है, आपको ध्यान रखना है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहां स्थित है, जकार्ता दोस्तों नोट कीजिएगा, जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया जो है यहां इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। अगर पूछो दोस्तों हाल ही में इसका दोस्तों कौन सा 11वां मेंबर शामिल हुआ है, तिमोर लिस्ते, लिखिए दोस्तों अगर पूछो हाल ही में कौन सा मेंबर शामिल हुआ, 11वां दोस्तों मेंबर जो है वो तिमोर लिस्ते शामिल हुआ है, ये भी आपको
थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर आसियान भारत के संबंधों की जो शुरुआत थी वो कब होती है। देखो किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे वो कौन सा दोस्तों राज्य हो गया, गुजरात राज्य। ध्यान रखिएगा सबसे लंबी दोस्तों कोस्टल लाइन किसके, गुजरात की है। पूरे वर्ल्ड दोस्तों पूछूं आपसे, ध्यान रखिएगा दोस्तों जो कनाडा है, ध्यान रखना कनाडा दोस्तों आपके कौन सा देश जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वो आपको ध्यान रखना, कनाडा इसका आंसर हो गया 1992। एकदम करेक्ट दोस्तों लिखिएगा, आपका जो आंसर एकदम करेक्ट है। अगर जो पूछूं आपसे आसियान जो भारत संबंध है इनकी जो शुरुआत कब होती है, 1992 में शुरुआत होती है। और बताओ अभी पिछला साल कौन सा था, 2022। और भाई साहब याद कीजिएगा कितने साल दोस्तों पूरे हो गए, ये 30वीं वर्षगांठ थी। और दोस्तों तीसरी जो वर्षगांठ थी इसको भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन के रूप में बनाया गया। और आप में से जो बताएगा कि ये स्मारक दोस्तों शिखर सम्मेलन जो है ये कहां दोस्तों आयोजित हुआ था तो उसे मिलेगा रसगुल्ला। भाई साहब बताओ कमेंट बॉक्स में जो भारत आसियान जो स्मारक शिखर सम्मेलन था जो पिछले वर्ष दोस्तों हुआ था वो कहां पर उसका आयोजन हुआ, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। आगे देखिएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों, अगर पूछे पहली दोस्तों महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल। ध्यान रखिएगा पहली दोस्तों महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी पाटिल है। लेकिन अगर पूछूं आपसे वर्तमान में कौन दोस्तों लिखना आपके, सेकंड दोस्तों महिला राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे जो द्रौपदी दोस्तों मुर्मू है आपके, ध्यान रखना किसको हराकर दोस्तों राष्ट्रपति बनी है, यशवंत सिन्हा, नोट कीजिएगा इन्हें दोस्तों हराकर जो है ये राष्ट्रपति बनी है। अगर पूछे दोस्तों कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 252 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 252 के अंदर लिखा हुआ है। भाई साहब रे रामफल कंबोडिया, लिखो इसका आंसर, लिखिएगा मतलब भाई साहब तुक्का लगाने में एक्सपर्ट आदमी, लिखिएगा नोम पेह कंबोडिया दोस्तों, कहां पर नोम पेह कंबोडिया जो है यहां इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा भारत दोस्तों आसियान 30वीं दोस्तों जो वर्षगांठ है, और यहीं पर तो घोषित हुआ था कि अगला जो देश होगा 11वां देश वो आपके तिमोर लिस्ते होगा, ये यहीं पर घोषित हुआ था। आगे देखिएगा अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि केंद्रीय औषधि दोस्तों अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां स्थित है, ये लिखना दोस्तों नवाबों की राजधानी, नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित है आपके केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अगर पूछे आपसे दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है ये कहां की दोस्तों रहने वाली है, मयूरभंज, छापेगा ये मयूरभंज दोस्तों यहां की रहने वाली है। मयूरभंज कहां पर स्थित है, उड़ीसा दोस्तों यहां पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे द्रौपदी मुर्मू जो है सेकंड दोस्तों लिखना आपके, सेकंड महिला राष्ट्रपति कौन है, सेकंड दोस्तों महिला राष्ट्रपति जो है वो भी नोट करना आपके द्रौपदी मुर्मू है। आगे आइएगा 15-17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। 2023 की तीन महत्वपूर्ण घटना है, रिपब्लिक डे दोस्तों पहली घटना है, प्रवासी भारतीय दिवस सेकंड घटना है, और थर्ड दोस्तों छापिएगा आपके वो दोस्तों कौन सी आपके थर्ड जो है वो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये थर्ड घटना है। आगे देखिए दोस्तों पहली बात तो लिखिएगा 26 जनवरी, मैंने आपको नोट करवाया दोस्तों जो रिपब्लिक जो डे था वो इस बार 74 नंबर का था, और इस बार दोस्तों चीफ गेस्ट कौन थे, लिखना दोस्तों इस बार जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम है अब्दुल फतेह सीसी। परीक्षा में भविष्य में छपने वाला सवाल होगा अब्दुल फतेह सीसी दोस्तों, और अगर पूछूं आपसे अब्दुल फतेह सीसी जो है वो किस दोस्तों देश के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह सीसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों अगर पूछूं रिपब्लिक दोस्तों डे के बाद में याद कीजिए दोस्तों प्रवासी जो भारतीय दिवस है, प्रवासी दोस्तों भारतीय दिवस अगर पूछे ये दोस्तों कहां पर दोस्तों लिखना आपके, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया। आप में से कोई बताना चाहेगा कौन से नंबर का दोस्तों इस बार हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पूछो दोस्तों कौन इसमें चीफ गेस्ट थे, मोहम्मद इरफान, छापेगा मोहम्मद दोस्तों इरफान जो है वो इसमें चीफ गेस्ट थे। कहां के दोस्तों राष्ट्रपति थे, गुआना के राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है। तीसरी घटना कौन सी दोस्तों, वो है विश्व हिंदी सम्मेलन, ये आपकी तीसरी घटना है, आपको ध्यान रखिएगा ठीक है। अगर पूछे दोस्तों तीसरी जो घटना है वो कौन सी हो गई, छापेगा विश्व जो हिंदी सम्मेलन है ये तीसरी घटना हो गई। अगर पहला सवाल पूछूं आपसे इस बार दोस्तों नोट करना आपके कहां पर इसका आयोजन होगा, फिजी दोस्तों यहां पर आयोजन होगा, और फिजी देश के अंदर एक दोस्तों आपके शहर है नाड़ी, ध्यान रखिएगा
यहां पर इसका आयोजन होने वाला है। तो फिजी में नाड़ी में दोस्तों इसका 18वां तो रसगुल्ला किसका था दोस्तों, G20 का। इस बार लिख लो 18वां दोस्तों किसका है, G20 दोस्तों। इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। 18वां दोस्तों इसका क्या है आपके, इस बार 18वां संस्करण है, वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ में आयोजन हो रहा है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों आगरा से इसकी शुरुआत होने वाली है और राजस्थान में जोधपुर उदयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। अगर पूछो दोस्तों आपसे कि ये कौन से नंबर का होगा छापेगा, विश्व हिंदी जो सम्मेलन है ये इस बार दोस्तों 12वां नंबर का है, आपको ध्यान रखिएगा। कहां आयोजन होगा, फिजी दोस्तों नाड़ी में इसका आयोजन होने वाला है। अगर पूछे दोस्तों इसकी थीम क्या होगी, देखिए हिंदी दोस्तों कब से चली आ रही दोस्तों, महाभारत रामायण बौद्ध धर्म जैन धर्म पारंपरिक जो ज्ञान दोस्तों ट्रेडिशनल जो नॉलेज है वहां से आज की जो आर्टिफिशियल नॉलेज है कृत्रिम दोस्तों बुद्धिमता जो है यहां तक का जो पूरा हिंदी का सफर है यही इसकी थीम होने वाली है। छापिएगा इस बार दोस्तों थीम क्या होगी इसकी, पारंपरिक जो ज्ञान है, पारंपरिक दोस्तों ज्ञान जो है यहां से दोस्तों कहां तक, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां तक दोस्तों हिंदी का जो सफर है वो इस बार हमने थीम रखी है। 12वें नंबर का है फिजी दोस्तों नाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। अगर दोस्तों पूछूं तो फिजी के कौन प्रधानमंत्री हैं, सितविक रुबिका, लिख लो दोस्तों सवाल पूछे आपसे फिजी में कौन दोस्तों वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर दोस्तों हैं, छापेगा सितविक दोस्तों रुबिका जो है, छापेगा सितविक दोस्तों लिखना आपके रुबिका जो है, सितविक रुबिका ये दोस्तों वर्तमान में क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर है। और कौन दोस्तों इनके साथ में शामिल हुए आपके चीफ गेस्ट के रूप में, जयशंकर, छापे दोस्तों कौन इस बार चीफ गेस्ट है तो छापेगा विदेश मंत्री दोस्तों, नोट करना आपके जयशंकर जो है वो भी दोस्तों इसमें चीफ गेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैलेंटाइन दिवस की शुभकामनाएं, बेटा वैलेंटाइन डे उनका होता है जिनके पास कुछ होता है ना, सिंगल का वैलेंटाइन नहीं होता, उसके लिए सभी दिन एक जैसे होते हैं भाई साहब। सिंगल का कौन सा वैलेंटाइन दोस्तों, सिंगल सिंगल ही रहेगा। अगर कुछ करोगे दोस्तों लव अफेयर्स की उम्र में आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, यही अपने आप में एक समस्या है, पर अगर लव अफेयर्स को सफल करना है तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिएगा विदेश मंत्री दोस्तों कौन है आपके, जयशंकर दोस्तों नोट करना आपके विदेश मंत्री है, और सित्विक रुबिका दोस्तों छापना ये फिजी के प्राइम मिनिस्टर है, आपको ध्यान रखना है। फिजी में इसका आयोजन हुआ नाड़ी के अंदर हुआ, 12वां दोस्तों नंबर का आयोजन है, परीक्षा में पूछा गया सवाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, 12वां दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। इस बार थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल दोस्तों इंटेलिजेंस जो है ये इस बार की थीम रखी गई है। G20 कौन सा, 18वां दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों आपके 26 जनवरी रिपब्लिक डे कौन सा था, ये दोस्तों आपके 74 नंबर का था। चीफ गेस्ट कौन थे, अब्दुल फतेह सीसी थे, ये मिस्र के राष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे तो प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है NRI दोस्तों पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ। मोहम्मद दोस्तों इरफान जो है गुआना के दोस्तों राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना। और कौन से नंबर का दोस्तों, ये 70 नंबर का, आपको ध्यान रखना है। और विदेश मंत्री कौन वर्तमान में, जयशंकर विदेश मंत्री है। ये तो इस सवाल का पोस्टमार्टम हो गया। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे सवाल, देखिएगा अगर पूछे दोस्तों आपसे विश्व हिंदी दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको बताना है विश्व जो हिंदी दिवस है ये कौन से दिन दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं, बताइएगा, ठीक है। अब जब इतना दोस्तों बता ही रहे हो तो बताना हिंदी जो दिवस है ये कब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए दोनों सवाल अलग हैं, हिंदी दिवस कब होता है और विश्व हिंदी दिवस कब होता है, दोनों अलग अलग सवाल, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बताइएगा मुझे, अगर पूछो दोस्तों आपसे जो भारत में जो भाषाएं हैं इनका जो जिक्र है वो कौन सी अनुसूची के अंदर है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में छापना है। तीन क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, विश्व हिंदी दिवस कब होता है, हिंदी दिवस कब होता है, और जो भाषाएं जो है कौन सी अनुसूची के अंदर है, ये आपको बताना है। देखिएगा अगर दोस्तों पूछूं आपसे विश्व हिंदी जो दिवस है ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, ये आपको नोट करना है। हिंदी दोस्तों दिवस कब होता है, 14 सितंबर, छापेगा हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको नोट करना है। भाषाओं का जिक्र संविधान की कौन सी दोस्तों अनुसूची के अंदर है, 8वीं अनुसूची के अंदर है, और मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान दोस्तों छापना 22 भाषाएं। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी, 14 दोस्तों भाषाएं थी, और वर्तमान दोस्तों पूछूं आपसे 22 भाषाएं वर्तमान में है। कौन कौन सी 8 नई भाषाएं दोस्तों जुड़ी हैं आपके, सिंधी जुड़ी है, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी दोस्तों, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली दोस्तों, ये 8 भाषाएं जुड़ी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14 से 22 वर्तमान के अंदर
हो चुकी हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के अंदर हो रहा है, 112वें नंबर का है, आपको ध्यान रखना है, और फूल पत्तियां भी इसके ऊपर लगी है, क्लास का नाम फूल पत्ती और दोस्तों फूल पत्तियां आपके सवाल पर है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां दोस्तों स्थित है आपके, ये द हेग में स्थित है, द हेग दोस्तों नीदरलैंड जो है, यहां पर दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका मुख्यालय स्थित है, आपको ध्यान रखना है। गीत गोविंद दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया छापेगा, जयदेव जो है इनके द्वारा दोस्तों, कौन सा गीत गोविंद जो है इसको लिखा गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी दोस्तों मेंबर कौन से छापेगा, जिनके पास में वीटो दोस्तों पावर है, वो 5 दोस्तों मेंबर कौन है, एक अमेरिका इसमें शामिल दोस्तों, एक छापेगा, एक रशिया इसके अंदर शामिल है, इसके अलावा दोस्तों लिखना आपके चाइना भी दोस्तों, चमगादड़ भी इसमें शामिल है, इसके अलावा दोस्तों लिखना आपके इंग्लैंड भी इसमें शामिल है, और एक जो फ्रांस है दोस्तों ये भी इसके अंदर शामिल है। पर अगर सवाल पूछूं आपसे कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, बताओ मुझे वर्ल्ड की दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी दोस्तों अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। सर आज अच्छे लग रहे हो भाई साहब, मैं अच्छा ही हूं ना, आपने आज आंख खोल कर देखा, ये बड़ी बात है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है भाई साहब, अच्छी नींद आ रही होंगी आपको, मैं अच्छा ही दिखता हूं, बस दोस्तों नजर नजर का खेल है, कौन आंख खोल के देखता है और कौन दोस्तों आंख बंद करके देखता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएस को कहां लॉन्च किया गया। देखिए दोस्तों स्काई यूटीएस, आप नाम से समझिएगा इसका नाम क्यों स्काई यूटीएस ही रखा दोस्तों, और भी बहुत सारे नाम थे, रामफल, डोभा, रसगुल्ला, कुछ भी रख देते, स्काई यूटीएस क्यों रखा। देखिए स्काई दोस्तों क्या हो गया, स्काई मतलब दोस्तों आपके जो वायु दोस्तों आपके आसमान हो गया, स्काई का मतलब हो गया आसमान, और दोस्तों यूटीएस दोस्तों छापना आपके, इसका मतलब हो गया अनमैन, दोस्तों लिखना आपके, यू का मतलब हो गया अनमैन, टी दोस्तों क्या हो गया, टी का मतलब हो गया ट्रैफिक, क्या हो गया, टी का मतलब ट्रैफिक हो गया, और एस दोस्तों छापना आपके, एस हो गया सिस्टम, मतलब कि दोस्तों एम हो गया दोस्तों मैनेजमेंट, लिखिएगा एस नहीं, इसको एम कीजिएगा, स्काई यूटीएम जो है छापिएगा, ये हो गया दोस्तों आपके मैनेजमेंट, इसको हिंदी में दोस्तों लिखना आपके दोस्तों मानव रहित, लिखिएगा मानव दोस्तों रहित जो है, मानव रहित दोस्तों आपके वायु ट्रैफिक, दोस्तों मानव रहित वायु यातायात जो दोस्तों सिस्टम है आपके, मानव रहित वायु यातायात दोस्तों प्रबंधन जो है ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ये आप समझ चुके होंगे, मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करना है दोस्तों, क्या करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, और जो ट्रैफिक दोस्तों इसे जो कंट्रोल करना है वो अगर पूछूं मैं आपसे, ट्रैफिक दोस्तों आपके हो जा बंद, ट्रैफिक को दोस्तों कंट्रोल करना है, आज ये भी नहीं सुन रहा मेरी है ना, वैलेंटाइन डे दोस्तों, इसका वैलेंटाइन डे, ये भी मेरी नहीं सुन रहा है ना, ये भी आज उसी की सुनेगा, ठीक है। अगर जो पूछूं आपसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, पर ये ट्रैफिक दोस्तों कहां पर होगा दोस्तों, ये ट्रैफिक जो है ये आसमान में, मतलब दोस्तों आपके एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम है, और मानव रहित है दोस्तों, इसमें कोई मानव यूज नहीं होने वाला, मानव रहित दोस्तों होने वाला, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, एक दिन में 96,000 फ्लाइट को ये कंट्रोल कर सकता है दोस्तों, लिखना आपके कितने दोस्तों फ्लाइट को, एक दिन के अंदर छापना आपके, एक दिन में 96,000 दोस्तों आपके जो फ्लाइट है दोस्तों, लिखना आपके इतनी दोस्तों फ्लाइट को ये मैनेजमेंट कर सकता है, इनका प्रबंधन दोस्तों कर सकता है। किसने दोस्तों इसको लॉन्च किया है, नितिन जो गडकरी है दोस्तों, भारत को सड़क पर लाने वाले मंत्री कौन दोस्तों, सड़क मंत्री, ध्यान रखना दोस्तों, सड़क और राजमार्ग जो मंत्री है वो कौन दोस्तों वर्तमान में, वो नितिन गडकरी है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया अनमैन दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा मानव रहित। देखिए एक्चुअली में दोस्तों आजकल आप देखिए दोस्तों वाहन के अंदर आपके मानव की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ड्रोन आ चुका है, ड्रोन एक्चुअली दोस्तों आपके क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब दोस्तों मानव रहित दोस्तों उड़ता हुआ ताबूत है आपके ड्रोन, तो मानव रहित दोस्तों ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है आपके स्काई में, उसका नाम है स्काई यूटीएम। आंसर दोस्तों लगाइएगा, किसने लॉन्च किया इसको, भारत ने लॉन्च किया है, मैंने नाम आपको लिखवाया, लॉन्च करने वाले कौन है, नितिन गडकरी, आपको ध्यान रखना है। अब
बताओ दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट कंपनी। दोस्तों कौन सी है? स्काई दोस्तों रूट कंपनी है। अगर पूछो दोस्तों इस कंपनी के द्वारा, स्काई दोस्तों रूट कंपनी के द्वारा कौन सा दोस्तों भारत का पहला दोस्तों प्राइवेट दोस्तों रॉकेट तैयार किया गया है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापेगा। पहला दोस्तों प्राइवेट रॉकेट जो है वो कौन सा भारत का तैयार हुआ, आपको बताना है। आगे देखिएगा दोस्तों, आपके देखिए गडकरी अनवेल्स एडवांस ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई दोस्तों आपके यूटीएम जो है इसको लॉन्च किया। देखिए पायली एक्सप्रेस दोस्तों, पायली नहीं इसको लिखना पयोली एक्सप्रेस छापी दोस्तों। इसका नाम क्या दोस्तों? ये आपके लिखना पयोली एक्सप्रेस है। पयोली दोस्तों जो एक्सप्रेस है के नाम से किसको जानते हैं? लिखना, परीक्षा में छपने वाला जो सवाल है पीटी ऊषा, आप कहोगे ये सवाल आएगा, मैं कहूंगा नहीं ये वाला नहीं आएगा दोस्तों। इन्हीं को बोलते हैं उड़न परी। क्या बोलते हैं दोस्तों इन्हीं को? उड़न परी कहते हैं। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है, यह सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों भारतीय जो ओलंपिक संघ है, भारतीय दोस्तों ओलंपिक जो संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ इसकी दोस्तों पहली जो महिला अध्यक्ष है, पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष वो आपको ध्यान रखना कौन है वो नोट कीजिए दोस्तों, पीटी ऊषा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, पूरी पूरी इसकी संभावना है। देखिए अगर दोस्तों पूछूं आपसे, पहला दोस्तों प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, छापिए कौन दोस्तों पहला प्राइवेट रॉकेट हो गया विक्रम एस, आपको ध्यान रखना है। विक्रम दोस्तों कहां से आया? विक्रम दोस्तों विक्रम साराभाई दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन? विक्रम साराभाई है। और एस दोस्तों कहां से आया? इसकी कंपनी के नाम से एस आ गया, स्काई रूट कंपनी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा लोसुंग त्योहार दोस्तों कहां पर आयोजित होता है, इसको लोसुंग भी कहते हैं और दोस्तों जानना आपको स्थानीय भाषा में इसको लोसांग भी कहते हैं। दोस्तों लिखना आपके लोसुंग दोस्तों या फिर लोसांग जो है ये कहां दोस्तों आयोजित होता है? सिक्किम में इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। अब बताओ दोस्तों पूछे आपसे चाप चार कूट जो फेस्टिवल है ये दोस्तों कौन से राज्य के अंदर आयोजित हुआ है, गोली की तरह छापिएगा। आगे देखो गोल्डन रॉक पैगोड़ा किस देश में, देखो सवाल पूछे ब्लैक पैगोड़ा कहां पर है, सवाल पूछे सप्त पैगोड़ा कहां पर है और सवाल पूछे गोल्डन पैगोड़ा कहां पर है, ये तीन दोस्तों अलग अलग सवाल। देखिएगा गोल्डन पैगोड़ा हो गया एक, छापिएगा ब्लैक दोस्तों पैगोड़ा। अगर पूछो दोस्तों ब्लैक पैगोड़ा कहां पर दोस्तों, ये आपके कोणार्क में, कहां? कोणार्क में है। कोणार्क कहां? उड़ीसा दोस्तों, यहां पर है कोणार्क में। दोस्तों नोट करना आपके एक मंदिर है सूर्य भगवान का मंदिर दोस्तों, उसी को ब्लैक पैगोड़ा कहते हैं। बनवाने वाला कौन? नरसिंह देव फर्स्ट, छापिएगा नरसिंह दोस्तों फर्स्ट जो है गंग वंश के शासक थे, ये इसको बनवाने वाले थे, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा है गोल्डन पैगोड़ा दोस्तों छापेगा, ये म्यांमार हो गया, कौन हो गया? म्यांमार दोस्तों, नोट करना आपके गोल्डन पैगोड़ा जो कंट्री है वो म्यांमार हो गया। अगर सवाल पूछे चाप चार कूट, अरे कितना तो आपको लिखवा चुका हूं लगभग दोस्तों, मैं 1100 क्लास ले चुका हूं आपकी लगातार और भाई साहब बार बार इसको लिखवाता हूं। देखो याद करो दोस्तों, अरे क्या पिया आपने? आपने दोस्तों पिया रम, फिर भाई साहब आपकी कुटाई दोस्तों किससे होती है? बांस से आपकी कुटाई होती है। तो आपने दोस्तों क्या पिया? आपने पिया दोस्तों रम, रम से बन गया मिजोरम। क्या बन गया? मिजोरम बन गया दोस्तों। किससे आपकी कुटाई होती है? बांस, मतलब दोस्तों इसी को बोलते हैं कौन सा? इसी को बंबू डांस कहते हैं। और दोस्तों कूट क्या हो गया? रसगुल्ला। कूट का मतलब हो गया चाप चार कूट है। तो चाप चार कूट फेस्टिवल कहां पर? मिजोरम के अंदर है। पूछो दोस्तों इसी फेस्टिवल का नाम क्या है? बंबू डांस। अभी परीक्षा हुई दोस्तों आपके, अभी कुछ दिनों पहले एसएससी जीडी की परीक्षा में सवाल पूछा गया था चाप चार कूट फेस्टिवल जो है मिजोरम के अंदर, दोस्तों नोट करना, और इसी को बंबू डांस कहते हैं। और सो ये कहां पर आपके? मिजोरम के अंदर इसका आयोजन होता है। आगे आइए सप्त पैगोड़ा दोस्तों, ब्लैक गोल्डन पैगोड़ा म्यांमार में, ब्लैक पैगोड़ा कहां दोस्तों आपके? ये आपके ओडिशा कोणार्क के अंदर स्थित है, आपको ध्यान। सप्त पैगोड़ा, आप में से कौन कौन बताएगा सप्त दोस्तों जो पैगोड़ा है बताओ कमेंट बॉक्स में। जो भी बताएगा उसके लिए भविष्यवाणी है कि अगली फोर जो 14 फरवरी होगी वो खाली नहीं जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है? बताओ दोस्तों सप्त पैगोड़ा जो है, इस कौन से मंदिर को सप्त पैगोड़ा कहते हैं, इसका आंसर आपको छाप देना है। आगे देखिएगा हाल ही में सोनिया गोकानी को किस राज्य की
पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस दोस्तों किस राज्य की बनाया गया, इन्हें अपॉइंट किया गया, सवाल आपसे पूछा है। कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दोस्तों पहली महिला बनी है इसलिए सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो गया। आइए दोस्तों पूछूं आपसे, सोने से कोकानी छापेगा गुजरात दोस्तों हाईकोर्ट कहां की है? गुजरात दोस्तों जो हाईकोर्ट है छापेगा, गुजरात जो हाईकोर्ट है यहां दोस्तों पहली महिला लिखना, पहली दोस्तों महिला आपके जो आपके पहली महिला कार्यवाहक दोस्तों लिखना, आपके पहली महिला कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है। अगर मैं पूछूं कौन दोस्तों बनाई गई है तो नाम दोस्तों नोट करना, नाम क्या इनका? सोनिया गोकानी इनका नाम है, लिखना दोस्तों आपके जस्टिस सोनिया जो गोकानी है, जस्टिस सोनिया गोकानी ये इनका नाम हो गया, आपको ध्यान रखना है। पहली दोस्तों महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, गुजरात हाईकोर्ट के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको लिखवा रहा हूं, इनको अपनी कॉपी में अभी के अभी छाप लीजिएगा दोस्तों। अगर पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में पहली दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश है, चलो बताओ मुझे पहली दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन अपॉइंट हुई थी? फटाफट स्पीड से छापिएगा पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट होती है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लो। सप्त पैगोड़ा दोस्तों पूछूं आपसे, लिखना भाई साहब सप्त पैगोड़ा जो है, अगर से पूछे आपसे रथ मंदिर जो है इन्हीं को दोस्तों सप्त पैगोड़ा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। भाई साहब तुमसे कोई काम करवाना है ना दोस्तों तो बस एक ही काम करवा सकते हैं, उसका नाम है सोना बाबू। सोना बाबू के नाम पे भाई साहब कई उन्होंने गूगल पे सर्च किया है, उन्होंने दोस्तों आज तक इतनी मेहनत नहीं की, गूगल पे सर्च कर रहे हैं सप्त पैगोड़ा दोस्तों किसे कहते हैं, क्या ही तो ऐसे बोल रहे होंगे सप्त पैगोड़ा किसे कहते हैं, मतलब दोस्तों उसके नाम पर तो आप बहुत काम कर सकते हो। सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों महाबलीपुरम के अंदर दोस्तों स्थित है आपके, इसमें द्रौपदी रथ है दोस्तों आपके, युधिष्ठिर रथ है, ऐसे दोस्तों आपके रथ इसमें स्थित है आपके, सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बताओ पहली दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश जो है किसको अपॉइंट किया? फातिमा बीबी, वेरी गुड, अद्भुत है ना, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, अरे डोपा रामफल, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, और तुम्हारी जो भैंस है ना ये दोस्तों पानी है, इस पानी में तुम्हारी भैंस को डुबाओ, उल्टा डुबाना आपकी बात, ठीक है भाई साहब, लिख लो एक भी दोस्तों महिला जो है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश है दोस्तों आपके, लिखिएगा जो फातिमा दोस्तों बीबी आप आंसर बता रहे हो ना, फातिमा दोस्तों जो बीबी है, या अगर पूछू आपसे छापेगा ये सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश है, पर दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं दोस्तों, केवल जस्टिस है, पहली दोस्तों महिला न्यायाधीश जानना आपके वो कौन है, वो दोस्तों लिखना आपके फातिमा बीबी, आंसर हो गया इसका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो गया। अगर पूछूं दोस्तों आपसे भारत का पहला दोस्तों बताइएगा, इंडिया का दोस्तों फर्स्ट नैनो यूरिया दोस्तों, नैनो यूरिया दोस्तों आपके तरल जो संयंत्र है, नैनो यूरिया दोस्तों लिक्विड जो आपके दोस्तों आपके जो प्लांट है, ये कहां दोस्तों स्थापित हुआ है? कलोल गुजरात में, कहां हुआ? कलोल दोस्तों गुजरात के अंदर जो है ये स्थापित हुआ, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे आपसे मिशन जो लाइफ है दोस्तों आपके बताना, ये दोस्तों मिशन लाइफ कहां पर गुजरात के अंदर शुरू होता है, ये भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों पूछे सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बताओ मुझे इसके दोस्तों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको बताना है। अगर सो क्वेश्चन छापेगा, अगर सो पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट दोस्तों मैं पूछूं वर्तमान चीफ आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। स्थापना दोस्तों बताना मुझे, स्थापना के समय दोस्तों इसमें कुल न्यायाधीश कितने थे, आपको ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में छापना है, स्थापना के समय कुल न्यायाधीश जो है वो कितने थे। अगर पूछो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट छापना आपके, अगर पूछे दोस्तों कि रिट जारी करने का जो अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में छापना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट दोस्तों पूछूं आपसे अपेक्स जो कोर्ट है इंडिया की, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ दोस्तों, नोट करना आपके। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कौन है दोस्तों जस्टिस, दोस्तों जस्टिस डी वाई दोस्तों चंद्रचूड़ जो है, ये दोस्तों नोट कीजिएगा आपके, ये वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां के, सुप्रीम कोर्ट के हैं, कौन से नंबर के 50वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश को
शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। आपस में दोस्तों एक दूसरे को शपथ जो है दिला देते हैं। अगर पूछो दोस्तों स्थापना के समय जो है कितने न्यायाधीश थे? 1+7। आप कहोगे सर ये का चक्कर है, एक तो मुख्य न्यायाधीश था और साथ दोस्तों अन्य न्यायाधीश थे, 1+7 का कंसेप्ट था। रिट जारी दोस्तों करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। आर्टिकल नंबर जो छापना 30 दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 32 जो है इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उनके संरक्षण की गारंटी देता है। ये दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए फर्स्ट वुमन जज टू हेल्ड हाई कोर्ट जस्टिस है सोनिया जी गोकनी, अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस दोस्तों, कार्यवाहक आपके मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखिएगा ये एक न्यूज दोस्तों मैंने आपके सामने लगाई जो बड़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा में भविष्य में होने वाली है। अभी दोस्तों आपको याद है 13 दोस्तों आपके जो आपके 13 दोस्तों नए राज्यपाल जो है उनका अपॉइंटमेंट दोस्तों किसने किया था? जो हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अभी दोस्तों एक दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट किया। इन 13 नामों में दोस्तों एक नाम आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। एक नाम दोस्तों कौन सा आपके दोस्तों? एक नाम है जस्टिस दोस्तों आपके अब्दुल नजीर। नोट करना जस्टिस दोस्तों अब्दुल नजीर जो है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों ये आपके ध्यान आपके जैसे रिटायर्ड दोस्तों क्या है, रिटायर्ड दोस्तों न्यायाधीश है, ध्यान रखिएगा रिटायर्ड दोस्तों आपके जज हैं। अब इनको दोस्तों क्या बना दिया गया दोस्तों? इनको छापना आंध्र प्रदेश का दोस्तों राज्यपाल जो है इनको अपॉइंट किया गया है। आप सवाल पूछोगे सर जो आपके न्यायाधीश होते हैं जो रिटायर्ड होने के बाद में वो क्या राज्यपाल बन सकते हैं? देखिए पहला दोस्तों सवाल ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यायाधीश जो है रिटायर्ड दोस्तों होने के बाद में कोई भी दोस्तों लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों, अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे कोई भी दोस्तों आपके जज है वो दोस्तों रिटायर्ड अगर हो गया है तो दोस्तों कोई भी आपके जो लाभ का दोस्तों पद होगा इसको धारण नहीं करेगा। अब आप कहोगे सर फिर राज्यपाल कैसे बना दिया? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये भारत में लाभ के पद नहीं है। इसको स्टार लगा के लिखना दोस्तों, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों लिखना आपके, राज्यपाल, राष्ट्रपति और दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है, गवर्नर, प्रेसिडेंट दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जो है ये लाभ का पद दोस्तों नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये लाभ का पद नहीं है। और दोस्तों इन तीनों के लिए छापेगा दोस्तों 35 वर्ष दोस्तों क्या चाहिए मिनिमम दोस्तों एज जो है वो 35 वर्ष चाहिए। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्यों अब्दुल नजीर को दोस्तों आपके कई लोग चैलेंज करेंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों बना दिया। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सीधा लात मारेगा भाई साहब कि पहले पढ़ के आप पॉलिटी का सुबह फूल पत्ती वाली क्लास लिया कर एक बार, क्योंकि दोस्तों लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। मतलब लाभ दोस्तों कोई भी आयोग के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, पर ये दोस्तों लाभ के पद नहीं है आपके, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, ये भारत में दोस्तों लाभ के पद नहीं है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत का पहला दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1875 छापिए दोस्तों, 1875 है इसमें भारत का पहला दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो स्थापित हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छापिए, बॉम्बे दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज। याद है आपको कहानी दोस्तों हर्षद मेहता दोस्तों, याद कीजिएगा स्कैम 1992 आपने देखा होगा, स्कैम दोस्तों 1992 आपके हर्षद मेहता दोस्तों भारत का दोस्तों पहला बिग बुल आपके हर्षद मेहता, उन्होंने दोस्तों इसी में स्कैम किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट दोस्तों मुंबई के अंदर स्थित है और ये भारत का नहीं ये एशिया का पहला दोस्तों, लिखना आपके ये एशिया का दोस्तों क्या है आपके, ये एशिया का फर्स्ट दोस्तों आपके स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट आपको ध्यान रखना है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? मुंबई दोस्तों, लिखना दलाल स्ट्रीट में मुख्यालय स्थित है। और इसका दोस्तों सूचकांक क्या होता है दोस्तों? सेंसेक्स, आप खूब अखबार में पढ़ते होंगे सेंसेक्स चढ़ गया उतर गया दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा। ये बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका दोस्तों इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स इसका इंडेक्स। आगे देखिएगा भारत में वायुसेना दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं? छापेगा वायुसेना दोस्तों दिवस आपके नवस्पर्शम दीप्तम ग्लोरी द टच द स्काई, आकाश को गौरव के साथ में छूना दोस्तों वो है नवस्पर्शम दीप्तम, वायुसेना दोस्तों दिवस छापेगा 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों आपके दोस्तों आपके नेवी दिवस छापे दोस्तों, नेवी डे जो है दोस्तों आपके छापेगा, नेवी दोस्तों डे जो है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों।
4 दिसंबर 1971 दोस्तों, जब पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट को हमारी नौसेना ने तबाह किया था दोस्तों, याद करो दोस्तों आपके ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन ट्राइडेंट दोस्तों, उसी दिन को हमने क्या बना दिया, नेवी डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया। आप में से कौन बताना चाहेगा कि अभी जो हाल ही में तुर्की में दोस्तों आपके जो भूकंप आया था, इस भूकंप में दोस्तों भारत के द्वारा जो है, भारत के द्वारा आपके कौन सा ऑपरेशन चलाया गया सहायता के लिए, ये आपको मुझे बता देना है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित दोस्तों किया गया, सोचिए, मतलब जो क्लास शहीदों को समर्पित है उस क्लास में दोस्तों ये सवाल बड़ा जरूरी था ना। पोखरण दोस्तों याद कीजिए आपके राजस्थान जैसलमेर के अंदर है, और 1974 दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण, याद कीजिएगा पहला दोस्तों परमाणु परीक्षण आपके 1974 के अंदर होता है, और इसको नाम क्या दिया दोस्तों, परमाणु परीक्षण था, नाम दिया दोस्तों बुद्ध मुस्कुराए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद 1998 के अंदर जो है वो सेकेंड परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। छापिए सेकेंड दोस्तों कब हुआ आपके, 1998 में हुआ, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड दोस्तों परमाणु परीक्षण है, ये वही है दोस्तों जिसके ऊपर आपके वो फिल्म आई थी दोस्तों, आपके परमाणु या दोस्तों कौन सी फिल्म थी आपके पोखरण, वो इसी के ऊपर आधारित थी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से शहरी निकायों तक विस्तारित करने की घोषणा की गई। पसीना भाई सब टपक रहा है दोस्तों, और ध्यान रखना दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। आपको इतिहास रचना पड़ेगा, आपको उन सभी को गलत ठहराना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं कहा था, और ध्यान रखना ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सीने में आग है कुछ करने की, अगर आपके सीने में आग है उन बूढ़ी आंखों को दोस्तों आपके स्वर्ग की तरह दोस्तों जिंदगी आपको आप चाहते हो जिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केवल आप हो जो अपने परिवार की स्थिति को बदल सकते हो, और कोई आपकी कोई सहायता नहीं करने वाला। ये दुनिया उसी को सलाम ठोकने वाली जिसके पास में पद होगा, जिसके पास में कोई पोस्ट होने वाली है, जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर होगा। ये दुनिया दोस्तों आपको तभी खूबसूरत कहेगी जब आपके पास में कोई पद है। अगर कोई पद नहीं है तो आप खूबसूरत नहीं है, आपकी खूबसूरती केवल आपके पद पर निर्धारित है। यह सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, नमस्ते जो योजना है इसका संबंध किससे, केवल इतना सवाल दोस्तों आया था नमस्ते। देखिएगा दोस्तों, अगर पूछूं आपसे, बिल्कुल करेक्ट छापना, एकदम सही आंसर दोस्तों, तुर्की में क्या चला है दोस्तों, तुर्की में आपके ऑपरेशन दोस्त जो है इसको संचालित किया गया। दोस्तों ऑपरेशन जो दोस्त है वो कहां पर, तुर्की के अंदर संचालित होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नमस्ते अगर पूछूं आपसे दोस्तों, नमस्ते जो योजना है, पहली बात दोस्तों नोट करना आपके, कौन से दो मंत्रालय ने दोस्तों शुरू किया था दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मऊआ, मतलब आवासीय शहरी मंत्रालय, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। दोस्तों नोट करना आपके, आवासीय दोस्तों छापना आपके, आवास और शहरी दोस्तों लिखना आपके, शहरी दोस्तों आपके मामलात मंत्रालय, पहली दोस्तों मंत्रालय ये हो गया, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड दोस्तों अर्बन अफेयर्स, और छापिए दोस्तों सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है, सामाजिक दोस्तों न्याय, सामाजिक दोस्तों न्याय जो मंत्रालय है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों छापना आपके, इसको लॉन्च किया गया, नमस्ते योजना जो है लॉन्च होती है। एक्चुअली में दोस्तों आपके सोचिए दोस्तों, भारत जो है जो विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, मतलब इंडिया दोस्तों आपके वर्ल्ड में इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं दोस्तों अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और दोस्तों आपके गंदगी साफ करने के लिए दोस्तों आपके भारत का दोस्तों एक व्यक्ति जो है वो गटर में दोस्तों उतरता है। आप सोचना दोस्तों, सोच के देखिएगा, मतलब दोस्तों अगर कोई सड़क पे दोस्तों कोई गंदगी पड़ी है, हम उसको साफ नहीं करते, हम उसको ईगो पर लेते हैं। ये दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गटर में दोस्तों उतर के हमारी सारी गंदगी साफ करते हैं, ये दोस्तों मजबूरी होती है ना, वरना कौन उतरना चाहेगा दोस्तों गटर के अंदर। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी दोस्तों मनुष्य जो है वो दोस्तों इस प्रकार का काम ना करे, हाथ से मैला ढोना जो है इसको समाप्त करना है, मैकेनाइज करना, यांत्रिक दोस्तों 100% जो है वो मशीन से सेप्टिक टैंक की सफाई होनी चाहिए। ये दोस्तों आपके कौन सा हो गया, ये आपके नमस्ते स्कीम हो गई। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर पूछो दोस्तों इसका आंसर देखिएगा, फुल फॉर्म देखना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम है। सैनिटेशन दोस्तों स्वच्छता जो है, इस इकोसिस्टम को मैकेनाइज करना है, ये दोस्तों नमस्ते योजना है। ये फोटो मैंने आपके सामने, मजबूरी मैंने आपके सामने रखी है, ये मजबूरी है दोस्तों, वरना कोई गटर में उतरने को तैयार नहीं होगा, ये मजबूरी है ना, ये दोस्तों वही मजबूरी है। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लिख कर जो है ना दोस्तों, आपका जो परिवार दोस्तों, आप अगर आपका जन्म गरीबी में हुआ है
तो ये दोस्तों आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते दोस्तों गरीबी में हो तो आपकी गलती थी कि आपने कुछ नहीं किया। आइए दोस्तों नोट कीजिएगा, नमस्ते पहली बात दोस्तों लिखना आपके जो नमस्ते दोस्तों योजना जो है, अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे यह योजना दोस्तों नोट करना आपके किससे दोस्तों संबंधित है, आपके 100% दोस्तों लिखना 100% यांत्रिक मैकेनाइज दोस्तों 100% यांत्रिक स्वच्छता दोस्तों आपके इको सिस्टम जो है इसको डेवलप करना दोस्तों इसका उद्देश्य हो गया। यही ब्रैकेट में दोस्तों याद करने के तो लिख लेना आपके जो भी दोस्तों सेप्टिक टैंक होते हैं ना, सेप्टिक दोस्तों टैंक जो होते हैं, इन सेप्टिक दोस्तों टैंक जो है ना आपके दोस्तों, इनका दोस्तों आपके मैनुअल मतलब दोस्तों मैनुअल आपके सफाई नहीं होनी चाहिए, कोई मानव दोस्तों इनकी सफाई नहीं करे, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसके लिए 100 करोड़ रुपए दोस्तों फंड जो है इसकी व्यवस्था भी की गई है, ध्यान रखना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए जो फंड है इसकी व्यवस्था की गई। अब देखो ऑप्शन आपके सामने है सफाई, हां जय माता दी वाड़े तैयार रहते हैं, कई तो दोस्तों ऐसे खतरनाक प्राणी है भाई साहब, वो ऑप्शन सवाल नहीं पढ़ते, वो ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन दोस्तों ऑल अबोव है, उपयुक्त सभी है, तो जय माता दी आंख बंद करके दोस्तों इसी को लगा दो ना। अब सुनो सवाल को दोस्तों, सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, बिल्कुल ठीक बात है, मानव मल के सीधे संपर्क में दोस्तों आने से रोकना, मैंने यही आपसे कहा दोस्तों हाथ से मैला ढोना इसको रोकना, सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करना, तीनों इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। परीक्षा में दो तरह के सवाल आएगा दोस्तों, या तो इसका मंत्रालय आपसे पूछेगा कौन से दो मिनिस्ट्री इसमें शामिल है, एक दोस्तों आपके सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री शामिल है और उसे एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसमें शामिल है, या आपसे सवाल पूछेगा कि क्या इसका उद्देश्य है, ये दो सवाल आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है, ठीक है। आगे दोस्तों चलो, आपको मैंने नमस्ते बताया, अब आप मुझे बताओ दोस्तों स्माइल जो योजना है इसका संबंध दोस्तों किस आपके वर्ग से है, स्माइल योजना का आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे देखिएगा, अगर पूछूं आपसे, ये मैंने आपको समझा दिया है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा दोस्तों अपना आपके देश का दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, और पूछूं आपसे जिम कार्बेट दोस्तों नेशनल पार्क जो है इसका नया नाम क्या हो चुका है, राम गंगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका नाम हो चुका है, उत्तराखंड दोस्तों यहां पर स्थित है आपके, ये इंडिया का फर्स्ट दोस्तों आपके नेशनल पार्क है, आपको ध्यान रखना है, नया नाम जरूर नोट करना, राम गंगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका नया नाम है। आगे देखिएगा, विजय घाट दोस्तों किसका समाधि स्थल है, दोस्तों लिखना विजय जो घाट दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों आपके किसका है, लाल दोस्तों बहादुर जो शास्त्री हैं इनका दोस्तों आपके समाधि स्थल है। आप कहोगे गुरुजी कैसे याद करें, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अरे विजय दोस्तों किसकी होती है, जो बहादुर लाल होते हैं दोस्तों, कौन दोस्तों ऐसे लाल जो बहादुर होते हैं उन्हीं की दोस्तों क्या होती है, विजय होती है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अगला दोस्तों छापना आपके, किसे भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं आपके, मैनचेस्टर इंग्लैंड दोस्तों वहां पर है आपके दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस स्थान है, और इंडिया दोस्तों पूछूं इंडिया में कौन दोस्तों, अहमदाबाद छापेगा, अहमदाबाद दोस्तों नोट करना, अहमदाबाद दोस्तों अहमदाबाद जो है वो इंडिया के अंदर दोस्तों आपको नोट करना, आपके क्या है मैनचेस्टर है, अहमदाबाद दोस्तों याद करो अभी हाल ही में दोस्तों अहमदाबाद साबरमती दोस्तों नोट करना, साबरमती दोस्तों यहां पर एक पुल बनाया गया था अटल पुल, और अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान में जो परीक्षा हुई सीईटी की परीक्षा उसमें सवाल पूछा गया था अटल पुल जो है वो किस दोस्तों राज्य के अंदर स्थित है, नोट कर लो। देखो मैंने क्यों दोस्तों 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस नहीं बनाया, आपकी खातिर भाई साहब, अगर मैं कहता वैलेंटाइन डे दोस्तों तो सोना बाबू दोस्तों आज आपको लूट लेती, मतलब दोस्तों आपको क्या दोस्तों बना देती, वो आपको दोस्तों भिखारी बना देती, आज वो पक्का आपको लूटती। अब आपके पास में एक तरीका तो है कि भाई साहब कुमार गौरव ने कहा था कि आज भिखारी नहीं बनना है, आज तो कौन सा दिवस है, आज दोस्तों ब्लैक डे है, आज दोस्तों पुलवामा अटैक दिवस है, इसलिए आज कोई वैलेंटाइन डे नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस्माइल दोस्तों योजना जो है छापी दोस्तों, इस्माइल जो योजना है, अगर पूछूं आपसे, मैंने सवाल पूछा आपसे, इस्माइल दोस्तों योजना जो है वो भिखारियों दोस्तों किसके लिए, भिखारियों के लिए, ध्यान दोस्तों भिखारियों के लिए यह योजना शुरू होती है। परीक्षा में पूछा गया सवाल है इस्माइल योजना भिखारी और ट्रांसजेंडर दोस्तों इनके लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसकी शुरुआत जो है की गई, इनके कल्याण के लिए किया गया। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखना, अगर सो पूछे आपसे हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई भविष्य में लिखो दोस्तों स्टार की पावर 10,000,
परीक्षा में 100% छपने वाला सवाल आपके सामने है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आप कहोगे सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको, क्योंकि दोस्तों भारत का सबसे दोस्तों एक तरह से सबसे लंबा दोस्तों एक्सप्रेसवे है, 1386 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। अभी दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री है दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की दोस्तों, इसका एक खंड स्टार्ट हुआ है। इसकी सबसे बड़ी बात समझ लो आप, पहले दिल्ली से दोस्तों मुंबई पहुंचने में 24 घंटे लगते थे, अब वो केवल 12 घंटे ही लगेंगे। मतलब रात को आप चलोगे, सुबह दोस्तों मुंबई पहुंच जाओगे। और ये दोस्तों इस आपके एक्सप्रेसवे की खास बात है। इसका दोस्तों एक खंड जो है ना वो दोस्तों वो जयपुर दौसा के पास से दोस्तों छड़ रहा है और दिल्ली दोस्तों यहां पर उतर रहा है। उस खंड को शुरुआत किसने कर दी दोस्तों, प्रधानमंत्री साहब ने उसकी शुरुआत कर दी। आइए शुरुआत से दोस्तों नोट करते हैं आपसे, अगर पूछे दिल्ली दोस्तों, नोट करना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे छापेगा, दिल्ली दोस्तों जो मुंबई एक्सप्रेसवे है, पहला सवाल दोस्तों यह योजना कब शुरू होती है। अगर से पूछूं आपसे इसका दोस्तों शुभारंभ जो है वो कब होता है, 2019 दोस्तों नोट करना आपके, इसका जो शुभारंभ है, इसका दोस्तों आपके आधारशिला कब शुरू रखी गई, 2019 में इसकी शुरुआत होती है। अगर पूछो दोस्तों कितनी दोस्तों आपकी लंबाई हो गई, 1386 छापना दोस्तों, इतने किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1386 दोस्तों किलोमीटर जो है ये इसकी कुल लंबाई है। अब सवाल आएगा दोस्तों कौन कौन से राज्य इसमें कवर होने वाले। वैसे दोस्तों लॉजिकल सवाल है, अगर आपको इंडिया का मैप आता है दोस्तों, दिल्ली आ रहा है मतलब दोस्तों हरियाणा आएगा, क्योंकि दिल्ली से दोस्तों निकलने के लिए गुरुग्राम दोस्तों बीच में आने वाला है, जिसको गुड़गाम कहते थे, तो दिल्ली आया, हरियाणा आया दोस्तों, हरियाणा के जस्ट बाद दोस्तों राजस्थान आएगा, राजस्थान मतलब दोस्तों यहां पर मैं हूं, अलवर शहर दोस्तों आने वाला है, राजस्थान के दोस्तों जस्ट बाद जो है छापना दोस्तों आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मतलब कितने दोस्तों, 6 स्थान हो गए, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये 6 दोस्तों स्थानों के आपके होने वाला है। फोटो में देखिएगा दोस्तों मेरे साथ में, आपको देखना दोस्तों ये शुरुआत कहां से होने वाली है, इसकी जो शुरुआत है वो दिल्ली से दोस्तों होने वाली है, इसके बाद दोस्तों गुरुग्राम आने वाला है इसके अंदर, फिर सोना दोस्तों आने वाला है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आपको दौसा दिखेगा ना, यहां दोस्तों दौसा हो गया। इस खंड की शुरुआत अभी प्रधानमंत्री ने दोस्तों आपके लालसोट दौसा से की है, ये इसके बाद दोस्तों आपके ये राजस्थान, ये दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, यहां दोस्तों गुजरात हो गया और ये आपके महाराष्ट्र हो गया। तो 6 शहर जो है, 6 राज्य इसके अंदर शामिल है। कितनी लंबाई इसकी, 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अभी दोस्तों जो दौसा वाला दोस्तों आपके जो खंड था वो दोस्तों 246 किलोमीटर उसकी लंबाई है। दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लिखिए दोस्तों, नोट करना दोस्तों। पूछूं आपसे पहला दोस्तों क्वेश्चन लिखना आपके, कौन कौन इसमें शामिल दोस्तों होने वाला है, दिल्ली दोस्तों, इसके बाद आपके हरियाणा हो गया, इसके बाद दोस्तों राजस्थान हो गया है, इसके बाद दोस्तों छापना आपके गुजरात इसमें दोस्तों शामिल हो चुका है, इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश भी शामिल है इसके अंदर, और महाराष्ट्र जो है ये भी दोस्तों इसके अंदर शामिल है। दिल्ली से दोस्तों मुंबई के बीच में एक्सप्रेसवे है। इसकी सबसे खास विशेषता मैंने क्या बताई आपको, 24 दोस्तों घंटे का जो सफर है, नोट करना 24 जो घंटे का सफर है, अब वो केवल दोस्तों लिखना आपके केवल 12 घंटे में दोस्तों आपके वो सफर तय हो जाएगा, ये इसकी खास विशेषता है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, एक्सप्रेसवे है, सबसे लंबा दोस्तों भारत का एक्सप्रेसवे यही आपके सामने है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अभी हाल ही में दोस्तों इसका कौन सा खंड दोस्तों समर्पित हुआ है, दिल्ली दोस्तों छापना आपके, जैसे दोस्तों जयपुर से आप दिल्ली की तरफ भरोगे ना तो दौसा आएगा दोस्तों, उस दौसा के पास में दोस्तों आपके एक हाईवे छड़ रहा है, वो दोस्तों आपके कौन सा है, दिल्ली मुंबई दोस्तों एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड है, ये सीधा दोस्तों दिल्ली में आपके निकलेगा। नोट करना दोस्तों, दिल्ली दौसा जो दोस्तों आपके जो खंड है, नोट करना दोस्तों, दिल्ली दोस्तों जो दौसा जो खंड है, ये 246 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसका शुभारंभ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया। आंसर लिखना इसका दोस्तों, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर इसका 1386 लंबाई। जरूर ध्यान रखना परीक्षा में सवाल इसका लंबाई का पूछा जाएगा आपसे, या फिर दोस्तों कौन कौन से स्थानों से गुजरने वाला है, ये दो सवाल आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे, ये फोटो आपके सामने, श्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं, इसका शुभारंभ कर रहे हैं, ये एक झलक आपके सामने यहां पर दिखाई गई है। आगे देखना, इंडिया विंस फ्रीडम, अगर आपने अभी हाल ही में बीपीएस दोस्तों बिहार का एग्जाम दिया था, प्री जो एग्जाम था उसमें ये सवाल परीक्षा में पूछा गया, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों मौलाना दोस्तों आपके छापना दोस्तों, मौलाना जो अबुल दोस्तों आपके अबुल कलाम दोस्तों आजाद जो है, मौलाना दोस्तों अबुल कलाम जो आजाद है, उन्होंने आपकी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है। दो दिन पहले संडे वाले दिन परीक्षा में यह सवाल जो है पूछा गया था, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, यह शब्द दोस्तों कहां
कहां से लिया गया? मुंडकोप निषद। छापे दोस्तों, मुंडकोप निषद जो है यहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ये इंडिया का दोस्तों आपके राष्ट्रीय दोस्तों चिन्ह है, आपको ध्यान रखना है। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग दोस्तों? बोकारो कहां पर है? ये झारखंड दोस्तों जो राज्य यहां पर स्थित है। झारखंड का फेमस फेस्टिवल जो अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आयोजित हुआ, आपको बताना है मुझे। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, बोकारो दोस्तों नोट करना झारखंड में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ये किसकी सहायता दोस्तों, नोट करना आपके, ये दोस्तों नोट करना सोवियत जो संघ है जिसको रूस आप कहते हो, इसकी सहायता दोस्तों आपकी, इसकी सहायता से इसको स्थापित जो है किया गया। झारखंड में अभी कुछ दिनों पहले एक फेस्टिवल आयोजित हुआ था, उसका दोस्तों नाम क्या छापेगा? उसका नाम है सरहुल फेस्टिवल। दोस्तों नोट करना आपके, सरहुल जो फेस्टिवल है ये इसका नाम है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखो, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? सजन रेडियो बजाना। भाई साहब लिखो दोस्तों, ये रेडियो भी भाई साहब पहले दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। कई दोस्तों आशिक होते थे, है ना, वो रात को दोस्तों क्या करते थे, रात को दोस्तों कुछ लव स्टोरी सुनते थे। वो लव स्टोरी दोस्तों रेडियो में आती थी आपके, हेलो नमस्कार मैं आपका लव गुरु, है ना, ऐसे दोस्तों बोलता था वो। ये हमारे टाइम की बात दोस्तों, मतलब आज से दोस्तों आप मान के चलो 150 साल पुरानी बात है, हमारे टाइम की दोस्तों बात है, जब तुम दोस्तों इतने इतने से थे ना तब की बात है। ये लिखना विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, छापिएगा विश्व जो रेडियो दिवस है। अगर पूछूं कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है ये नोट करना आपके, विश्व रेडियो दिवस जो है वो दोस्तों नोट करना आपके कब सेलिब्रेट होता है, 13 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई इस बार की जो थीम है वो क्या दोस्तों थीम रखी गई दोस्तों, रेडियो दोस्तों लिखना आपके, रेडियो एंड पीस आपके दोस्तों, ये इस बार की थीम क्या दोस्तों आपके, रेडियो एंड पीस छापेगा, रेडियो एंड पीस जो है ये इस बार की थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 13 फरवरी दोस्तों नोट करना आपके। अगर पूछे दोस्तों कब इसको घोषित किया गया, 2011 छापना जो 11 दोस्तों इसको घोषित किया गया विश्व रेडियो दिवस है। केवल इतने पे सवाल को खत्म मत करना, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है दोस्तों, नोट करना आपके, 13 फरवरी पूछूं आपसे राष्ट्रीय दोस्तों महिला दिवस होता है, और किसकी दोस्तों याद में दोस्तों छापना आपके, ये दोस्तों सरोजनी जो नायडू हैं इनकी याद में दोस्तों राष्ट्रीय महिला जो दिवस है इसका आयोजन होता है, छापना सरोजनी नायडू दोस्तों, याद करो कांग्रेस की सरोजनी दोस्तों नायडू जो है। एक बार परीक्षा हुई दोस्तों यूपीएससी की, पीटी का एग्जाम दोस्तों, यूपीएससी जो है, यूपीएससी दोस्तों आपकी जो पीटी का जो एग्जाम है, यूपीएससी दोस्तों पीटी का जो एग्जाम था उसमें सवाल पूछा गया आपसे, पीटी के एग्जाम में सवाल आया था कि दोस्तों कांग्रेस की पहली दोस्तों क्या था, कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष है, पहली दोस्तों महिला जो अध्यक्ष है वो कौन थी, सवाल पूछा गया आपसे, ये है ना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, ये सवाल दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा गया। पहला दोस्तों ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था उसमें एनी बेसेंट। कौन दोस्तों? एनी बेसेंट। देखिए यूपीएससी दोस्तों मतलब आईएएस का जो एग्जाम है उसका प्रेशर दोस्तों अपना अलग लेवल का होता है। अब हॉल में सोचे दोस्तों आपके सामने ये सवाल आ जाए, पहली बार दोस्तों परीक्षा में आपके सवाल दिखता ही नहीं है, इतना प्रेशर दोस्तों होता है। सवाल पूछा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ऑप्शन एक जैसे दोस्तों एनी बेसेंट आपको दिखेगा ना, अधिकांश दोस्तों लगभग मैं कह रहा हूं आपसे, अभी तो आपको ये सवाल बड़ा आसान लगेगा, फिर भी दोस्तों 50% दोस्तों आपके जो लोग थे उन्होंने ई ऑप्शन देखा, नीचे ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, बीसीडी पढ़ा ही नहीं दोस्तों, सीधा इस पे क्लिक किया, सीधा दोस्तों गोला भर दिया किसके अंदर, ओएमआर सीट के अंदर, और दोस्तों यस करके नहीं वो बैठ गया। घर जाके दोस्तों पड़ोसी इंतजार कर ही रहा था, उसने पूछा इसका आंसर क्या आएगा, वो कहता है, वो बोलता है दोस्तों अरे तुझे ये भी नहीं आता, इतना आसान सवाल था, ऑप्शन एक एनी बेसेंट। जब पड़ोसी कहता है ऑप्शन डी देख एक बार, ऑप्शन डी दोस्तों लिखा हुआ था सरोजनी नायडू, क्या लिखा दोस्तों, सरोजनी दोस्तों नायडू लिखा हुआ था। फिर उसने कहा सवाल को पढ़, सवाल में ये नहीं पूछा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सवाल में पूछा है पहली भारतीय, एनी बेसेंट भारतीय नहीं है। उस समय दोस्तों केवल एक ही आवाज आती है और वो आवाज दोस्तों ओहो की है, इसका मतलब -1/3 है, मतलब अगर ये आवाज निकली पेपर के बाद में समझ लेना भाई साहब -1/3 हो गया आपका। तो कांग्रेस की पहली दोस्तों अगर पूछे महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है, नो डाउट करेक्ट आंसर है, कांग्रेस की पहली दोस्तों भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे आपसे वो सरोजनी नायडू, इसलिए पेपर को कभी हल्के में मत लेना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट करना दोस्तों, नोट कर लीजिएगा
सरोजिनी नायडू जो है छापे दोस्तों, ये कांग्रेस की दोस्तों नोट करना, कांग्रेस की पहली दोस्तों, कांग्रेस की पहली भारतीय दोस्तों महिला अध्यक्ष पूछूं आपसे, भारतीय जो महिला अध्यक्ष है वो आपको ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू जो है पहली दोस्तों भारतीय महिला अध्यक्ष है। आंसर हो गया इसका, थीम पूछा है परीक्षा में रेडियो एंड पीस, ऑप्शन नंबर एक इसका एकदम करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे इसके बाद देखिएगा, अगर पूछू नीति दोस्तों आयोग जो है इसका गठन कब हुआ है, बीपीएससी की परीक्षा में इसके फुल फॉर्म पूछी गई दोस्तों है ना, अगर पूछू दोस्तों कब गठन हुआ इसका, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन होता है, कौन इसके हेड प्रधानमंत्री दोस्तों इसके हेड है, सुमन बेरी दोस्तों छापना, सुमन बेरी जो है ये इसकी उपाध्यक्ष है दोस्तों, और छापे दोस्तों इसके अलावा परमेश्वर जो अय्यर है दोस्तों, परमेश्वर जो अय्यर है ये इसके दोस्तों सीईओ है, आपको ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारत पहली दोस्तों महिला कौन है, आशा पूर्णा देवी दोस्तों छापना, आशा दोस्तों पूर्णा देवी जो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली दोस्तों पहली आपके महिलाएं, आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में पूछूं दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 56वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, किसको मिला कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। विश्व खाद्य दोस्तों कृषि संगठन जो है, फूड दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ जो है, इसकी स्थापना कब होती है, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। रोम दोस्तों, अरे टावरो इसका मुख्यालय कहां पर है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। टाइबर नदी के किनारे दोस्तों छापना, आपके टाइबर जो नदी है इसके किनारे इसका मुख्यालय स्थित है। सवाल पूछा मैंने आपसे 56वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको मिला, एक बात बताओ दोस्तों, शादी में अगर तुम्हारी रसगुल्ला शादी है, मान लेते हैं हो गई गलती से शादी दोस्तों, मेरी भी हो गई तुम्हारी भी हो गई, अब शादी में दोस्तों क्या हुआ, शादी में दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों हमेशा रूसता है, दो व्यक्ति हमेशा रूसते हैं, और वो है दोस्तों जीजाजी और फूफाजी। भाई साहब तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी दोस्तों रसगुल्ला बनवा लो, वो रूसेगा ही रूसेगा, उसका दोस्तों धर्म है रूसना, अगर वो नहीं रूसा तो फिर क्या दोस्तों फूफा जी है ना, उस फूफा जी को मनाने के लिए आपको 56 इंच का सीना चाहिए, लिख लो 56वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नीलमणि फूफड़, किसको दोस्तों, फूफा जी से नोट कर लेना, नीलमणि फूफड़ को मिला, और फूफा जी का अभी हाल ही में निपटारा हुआ है, निधन हुआ है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछ सकता है, अभी हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है, असम भाषा संबंधित, असम दोस्तों आपके असमी लिटरेचर संबंधित है आपके नीलमणि फूफन, इनका हाल ही में निधन हुआ है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया। आगे आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में नई दिल्ली राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शन अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, अगर पूछूं आपसे अमृत पैक्स, मुझे लगता है भाई साहब पैक का नाम भी दोस्तों अमृत हो गया, भाई साहब नाम देखो दोस्तों पैक, पैक कैसा दोस्तों, अमृत के समान पैक, बांके बिहारी लाल की जय, लिखो। एक्चुअली में दोस्तों आप जानते हो भारत सरकार दोस्तों हर चीज का नाम दोस्तों क्या करती है, हर चीज का नाम जो है अभी हाल ही में अमृत दोस्तों लगा देती है, जैसे दोस्तों मुगल गार्डन दोस्तों वंश देरवाज मुगल गार्डन, आज दोस्तों वो हो चुका है आपके अमृत उद्यान, कौन दोस्तों अमृत उद्यान हो गया है, अमृत महोत्सव, अमृत काल का बजट दोस्तों अब आ चुका है दोस्तों अमृत पैक्स, मतलब दोस्तों पैक भी अब अमृत की तरह होगा, ये एकदम सही नाम है ठीक है। अगर मैं पूछूं दोस्तों अमृत जो पैक्स है ये कहां दोस्तों इसका आयोजन हुआ, दोस्तों छापना आपके, इसका दोस्तों जो आयोजन दोस्तों पूछूं आपसे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, कहां नई दिल्ली दोस्तों होता है अमृत पैक दोस्तों, ये किसके लिए दोस्तों आयोजित हुआ छापना दोस्तों, राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी जो है, राष्ट्रीय दोस्तों डाक टिकट जो होते हैं दोस्तों पोस्ट स्टैंप जो होते हैं इनका दोस्तों एक एग्जीबिशन है प्रदर्शनी दोस्तों आपके आयोजित हुई है, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली दोस्तों प्रगति आपके जो मैदान है वहां पर आयोजित हुई है, किसके द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों होती छापेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइटी दोस्तों मिनिस्ट्री है, अश्विनी जो वैष्णव है इनके द्वारा दोस्तों शुरुआत होती है छापेगा, अश्विनी जो वैष्णव है इनके द्वारा छापना, अश्विनी जो वैष्णव है वर्तमान कौन से मिनिस्ट्री दोस्तों, वर्तमान में छापना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये दोस्तों इनकी मिनिस्ट्री है, और ध्यान रखिए दोस्तों संबंधित किससे आपके डाक टिकट दोस्तों संबंधित, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। अमृत पैक्स दोस्तों क्यों नाम रखा दोस्तों, ये अमृत महोत्सव के कारण दोस्तों इसका नाम जो है वो अमृत पैक्स रखा है, आपको ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ दोस्तों अभी हमने हाल ही में
स्वतंत्रता दोस्तों जो इंडिपेंडेंस था हमारा उसकी 75वीं वर्षगांठ बनाई थी। आपको सवाल बताना है, बड़ा दोस्तों आसान सवाल है। अभी दोस्तों हाल ही में हमने इंडिपेंडेंस दोस्तों आपके कौन सा नंबर दोस्तों कौन से नंबर का हमने बनाया है, कमेंट बॉक्स में आपको आसान सवाल का जवाब छाप देना है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया अश्विनी दोस्तों वैष्णव जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर आपके अश्विनी वैष्णव हो गया। आगे देखिए दोस्तों ये देखो एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ दोस्तों फिलेट्री, ये नोट करना दोस्तों आपके कई ऐसे दोस्तों लोग होते हैं जिनको आपके पोस्ट स्टैम्प को इकट्ठा करने का दोस्तों रुचि होती है, उनकी हैबिट होती है, उनकी दोस्तों आपके चॉइस होती है, उसे बोलते हैं फिलेट्री। दोस्तों क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं फिलेट्री। ध्यान रखना दोस्तों ये एम दोस्तों अमृत जो पैक से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 11 से 15 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया, आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली प्रगति मैदान में इसको शुरू किया गया। मैंने आपसे सवाल दोस्तों पूछा आपके, ध्यान रखिएगा कई कई बार दोस्तों होता क्या है, सवाल बड़ा आसान है, आप में से अधिकांश लोग 75 लिख आएंगे इसका आंसर, कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, 75 नंबर गलत हो जाएगा, 76वें नंबर का है ना, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 76 में हम दोस्तों आ चुके हैं, तो कौन से नंबर का, 76 नंबर का है। वर्षगांठ पूछू दोस्तों आपसे कौन सी है, यह 75 नंबर की है। आगे आइएगा, हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित, दोस्तों छापिए हुमायूं दोस्तों कहां पर आपके दिल्ली में दोस्तों मकबरा स्थित है। इस मकबरे की दोस्तों खास बात क्या है दोस्तों, ये जो मकबरा है दोस्तों इसके चारों ओर दोस्तों क्या है, इसके चारों ओर दोस्तों गार्डन है, इसे बोलते हैं चार बाग शैली। दोस्तों कौन शैली बोलते हैं, इसे कहते हैं आपके चार बाग शैली। वो फिल्म दोस्तों आपने देखी थी, आपके सलमान खान की फिल्म थी बजरंगी दोस्तों भाईजान, उस फिल्म के अंदर दोस्तों आपके एक गाना दोस्तों था करीना कपूर और बजरंगी दोस्तों आपके सलमान खान का, वो दोस्तों इसी गार्डन दोस्तों आपके हुमायूं के मकबरा जो है इसी में शूट हुआ है, उसके चारों तरफ दोस्तों का क्या गार्डन है आपके चार बाग शैली में बना हुआ है ना, इसे बोलते हैं दोस्तों पूर्व का ताजमहल। छापिए हुमायूं जो मकबरा दोस्तों इसको कहते हैं पूर्व का ताजमहल। अब बताओ आप एक सवाल दोस्तों, ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। ताजमहल दोस्तों इसकी जो भद्दी नकल है ये किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे देखिएगा, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार दोस्तों, हमारे यहां जैसे दोस्तों हर जगह दोस्तों 14 जो जनवरी दोस्तों होती है ना आपके, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में दोस्तों गुड़ी पड़वा कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, दोस्तों केरल के अंदर उसको ओणम कहते हैं। ध्यान रखो केरल जो आपके दोस्तों राज्य है वहां पर ओणम दोस्तों त्यौहार आयोजित होता है, आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की कोयले में सबसे अधिक कार्बन की दोस्तों मात्रा होती है, दोस्तों कार्बन दोस्तों अगर अधिक है, दोस्तों कार्बन दोस्तों अगर अधिक है छापे दोस्तों, वो कोयला दोस्तों उतना ही अच्छा क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों कोयला होने वाला है। और अगर पूछे दोस्तों आपसे सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। छापे दोस्तों एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला है। इसके बाद दोस्तों भारत में पूछे सबसे अधिक कौन सा मिलता है, बिटुमिनस। देखिए सवाल दोस्तों दोनों अलग अलग है, इंडिया में दोस्तों कौन सा मिलता है बिटुमिनस, छापना ये इंडिया में मैक्सिमम मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है, एंथ्रेसाइट दोस्तों नोट करना, आपके सबसे अच्छा कोयला है। सवाल दोस्तों मैंने आपसे पूछा यहां पर ताजमहल की भद्दी नकल, दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था औरंगजेब है ना दोस्तों, उस औरंगजेब दोस्तों हुआ क्या था, उसकी बीवी ने कहा कि जब ताजमहल शाहजहां ने बनवा दिया है तो कुछ ऐसा ही मेरे लिए बनवाओ। अब दोस्तों उसकी शक्ल औरंगजेब को पता थी कैसी शक्ल है, उसने दोस्तों बनवा दिया आपके बीवी का मकबरा। भाई साहब मतलब दोस्तों जिंदा जिंदा एकमात्र दोस्तों व्यक्ति जिसने मकबरा बनवा दिया, भाई साहब किसका, बीबी का दोस्तों मकबरा बनवा दिया। भाई साहब ऐसा मकबरा दोस्तों पूछो ही मत, ताजमहल की तरह तो था दोस्तों, ताजमहल सफेद है ये काला है, तो इसको लोगों ने बोला कि ये ताजमहल की का दोस्तों भद्दी नकल है, बीबी का मकबरा औरंगजेब दोस्तों आपके। मतलब दोस्तों उसने सच्चाई क्या दिखा दी भाई साहब, दोस्तों मतलब दोस्तों बिना उसने मेकअप के क्या बनवा दिया मकबरा, भद्दी नकल हो गई, ये तो गलत बात है, औरंगजेब इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां दोस्तों किया गया। देखो किसका दोस्तों धारा जो है, अब सवाल पूछेगा धारा क्या है, ना ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आएगा आपके, धारा दोस्तों क्या है आपके, इसका मात्रक एम्पियर है। अब अधिकांश लोग सोचेंगे ये साइंस का सवाल पूछ लिया, साइंस का नहीं है बेटा लाल, ये किसका सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल। दोस्तों धारा दोस्तों नोट करना आपके, एक ही दोस्तों लाइन में लिख रहा हूं दोस्तों आपके, रिवर दोस्तों आपके जो रिवर दोस्तों क्या है आपके, रिवर जो सिटी अलायंस है, रिवर सिटी दोस्तों अलायंस जो है इसकी दोस्तों वार्षिक जो बैठक है दोस्तों, एनुअल जो बैठक होती है वो धारा कहलाती है, आपको ध्यान रखना है ठीक है। वार्षिक जो बैठक है
वो धारा कहलाती है। रिवर दोस्तों सिटी जो अलायंस मतलब ऐसे शहर जिनमें दोस्तों नदी है आपके, ऐसे 95 शहर इसके अंदर शामिल है दोस्तों। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होगा दोस्तों, उस दोस्तों शहर में जो नदी है दोस्तों इसका प्रबंधन करना, इसका मैनेजमेंट करना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य होने वाला है। और प्रबंधन दोस्तों इसके अंदर आपके जो भी दोस्तों आवश्यकताएं होती है, जो भी दोस्तों अवेयरनेस होती है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ छापेगा, पुणे दोस्तों महाराष्ट्र जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पुणे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा शहरी दोस्तों नदी के प्रबंधन के लिए शुरू हुआ है। वार्षिक दोस्तों बैठक है किसकी, आपके रिवर सिटी अलायंस की वार्षिक बैठक है। नाम इसका दोस्तों क्या होगा, धारा इसका नाम हो गया, ये आपको नोट करना है। वायु का दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आकाश दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आपको गोली की तरह छापना है। ये फोटो दोस्तों आपके सामने है। और धारा दोस्तों देखिए यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है आपके धारा, ये दोस्तों लिखा हुआ है यहां पर, इसका आयोजन पुणे के अंदर किया गया। आगे आइएगा, विटामिन ई का रासायनिक दोस्तों नाम क्या होता है दोस्तों, ये विटामिन का सवाल परीक्षा में पूछ लेता है। एक सवाल पूछता है कौन सा विटामिन दोस्तों पानी में घुलनशील है, यह सवाल बार बार आता है, कौन सा विटामिन जो है वो पानी में दोस्तों घुलनशील है। अब बताओ दोस्तों भैंस कहां डूबेगी, पानी में डूबेगी दोस्तों, घी में डूबेगी, भैंस तो पानी में डूबेगी दोस्तों, नोट कर दोस्तों, भैंस गई पानी में, कहां गई दोस्तों, भैंस गई पानी में, मतलब दोस्तों बी और सी जो है दोस्तों आपके जो आपके बी और सी विटामिन है ये छापे दोस्तों, बी और सी जो विटामिन है ये पानी में घुलनशील, बाकी दोस्तों ए डी ई के दोस्तों आपके जो विटामिन है वो पानी में नहीं घुलते, वो लिपिड दोस्तों वसा के अंदर जो है घुलनशील होते हैं। अगर पूछो दोस्तों विटामिन जो ई है इसका दोस्तों नाम क्या होता है, टोकोफेरोल दोस्तों नोट करना आपके, टोकोफेरोल जो है विटामिन दोस्तों ई का नाम रासायनिक नाम होता है आपको ध्यान रखना। इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है, इनफर्टिलिटी मतलब जो बांझपन दोस्तों होता है ये इसकी कमी से होता है, आपको ध्यान रखना है ठीक है, बांझपन होता है इसकी कमी से, टोकोफेरोल दोस्तों इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर छापो। कभी कभी दोस्तों छोटी छोटी गलतियां जो है ना वो हमें बड़ी भारी पड़ती हैं सिलेक्शन में दोस्तों, इतना अंतर नहीं होता है आपके नंबर दोस्तों, जो लाइन होती है दोस्तों आपकी जो मिनिमम लाइन होती है उसके थोड़ी सी नीचे आपके नंबर होते हैं, कारण है उसका आपने लापरवाही से परीक्षा को दिया है, परीक्षा के दबाव में आपने जिया है। देखिए अगर सवाल ये आया तो अधिकांश लोग इसका आंसर करके आएंगे राजगोपालाचारी ठीक है, पर दोस्तों इसमें कहां पर लिखा हुआ है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो लिखना दोस्तों आपके लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों, नोट करना आपके लॉर्ड दोस्तों जो माउंटबेटन थे यही दोस्तों भारत के पहले दोस्तों आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर पूछूं आपसे अंतिम दोस्तों कौन दोस्तों नोट करना आपके अंतिम कौन थे, सी राजगोपालाचारी दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो है दोस्तों आपके अंतिम थे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब होती है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। पूछो दोस्तों आपसे कौन इसके वर्तमान हेड, समीर दोस्तों कामत जो है ये इसके वर्तमान हेड है। हमारे यहां दोस्तों राजस्थान में आरएस की परीक्षा हुई, उसमें सवाल पूछा डीआरडीओ का दोस्तों मोटो क्या है, तो बलस्यम मूलम विज्ञानम शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका दोस्तों ध्येय वाक्य भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम दोस्तों कौन सी है, फीफा के कुछ सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और इस सवाल के दोस्तों बाद जो मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूं ना, मैं चाहता हूं कि उस स्लाइड में आप सभी रहना, उस स्लाइड को पूरे दोस्तों पूरे ध्यान से देखिएगा, अपने दिल से आपको देखना उस स्लाइड को, वो स्लाइड दोस्तों उनके लिए नौछावर, उनके लिए समर्पित दोस्तों जो सीमा पर खड़े होके हमारी सुरक्षा करते हैं, सर्वोच्च दोस्तों बलिदान देते हैं। मैंने अपनी क्लास से हमेशा दोस्तों आपसे कहा है कि किन का दोस्तों, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, ये देश की जान है, ये देश की शान है, वो स्लाइड उनके लिए समर्पित होने वाली। देखिए फीफा क्लब दोस्तों वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, फीफा दोस्तों क्लब जो वर्ल्ड कप है, फीफा क्लब दोस्तों वर्ल्ड कप जो है, अगर पूछे दोस्तों, अगर पूछूं भाई साहब कौन दोस्तों विनर बना इसका, इसका दोस्तों विनर बना आपके रियल दोस्तों मैड्रिड जो है, ये इसका विनर बन गया, रियल मैड्रिड छापना, ये दोस्तों इसका विनर बन गया। कौन सा दोस्तों कौन सी बार जीता है, 5वीं बार छापना, 5वीं बार जो है इसका विजेता बन गया। कहां का दोस्तों क्लब है, ये स्पेन का क्लब है, आपको नोट कर लेना है ठीक है। अगर पूछो दोस्तों 5वीं बार इसका विजेता बन गया, कभी कभी परीक्षा वाला पूछता है किसको हरा के दोस्तों बनाया, नोट कर
दोस्तों, इन्होंने दोस्तों किसको हराया दोस्तों, इन्होंने जो दोस्तों नोट करना आपके सऊदी दोस्तों अरब जो है, सऊदी अरब दोस्तों इसको हरा के बने, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। किसको हराया? सऊदी अरब को हराया। कहां दोस्तों मैच हुआ इसका? मोरक्को में। अरे भाई साहब, मोरक्को में दोस्तों दो चीजें बड़ी फेमस है, एक तो इब्ने बतूता बगल में जूता, एक दोस्तों आपके नोरा फतेही, वही दोस्तों हाई गर्मी वाली, वही दोस्तों मोरक्को की है, ध्यान रखना। अगर दोस्तों पूछे आपसे इब्ने बतूता, दोस्तों लिखना आपके इब्ने बतूता जो है दोस्तों, ये कहां के दोस्तों आपके विदेशी थे, आपके कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। नोरा फतेही दोस्तों आप लिख लो, अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन करना, नोरा फतेही कहां की? मोरक्को की है, ठीक है। आंसर हो गया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो गया, रियल मैड्रिड इसका एकदम ठीक आंसर है। और पूछो दोस्तों आपसे कितनी बार जीता? पांचवीं बार जीता है। किसको हरा के जीता? सऊदी अरब को दोस्तों हरा के जीता है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, ये फोटो आपके सामने दोस्तों, आपके किसकी? आपके रियल मैड्रिड की फोटो आपके सामने है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि फीफा दोस्तों जो वर्ल्ड कप, दोस्तों लिखना आपके फीफा दोस्तों जो वर्ल्ड कप अभी हाल ही में आयोजित हुआ, फीफा दोस्तों वर्ल्ड कप जो है कहां हुआ है, इसमें से लिखना, 100% परीक्षा में सवाल पूछेगा। कतर दोस्तों दोहा में इसका आयोजन हुआ है, कौन से नंबर का दोस्तों? 22वें नंबर का है। कौन से दो देशों के बीच फाइनल मैच हुआ? अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। यहां पे दोस्तों अर्जेंटीना दोस्तों वर्सेस फ्रांस जो है, इनके बीच दोस्तों फाइनल मैच होता है। अगर पूछो दोस्तों इसका कप्तान कौन था? लियोनेल मेसी। दोस्तों लिखना लियोनेल जो मेसी है वो इसके कप्तान थे। और पूछे दोस्तों आपसे कि फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला दोस्तों। और गोल्डन दोस्तों बूट, ध्यान रखना दोस्तों आपके गोल्डन बूट दोस्तों लिखना एम्बापे, ये भविष्य में दोस्तों देखना आपको लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ने वाला खिलाड़ी होगा भविष्य में, वो है दोस्तों फ्रांस का किलियन दोस्तों एम्बापे। 8 गोल इसने किए थे आपके, धनन आपके किलियन एम्बापे। तो बॉल वाला लियोनेल मेसी को मिला, बूट वाला दोस्तों छापना आपके एम्बापे को दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, एक नोट कर लो दोस्तों इसका शुभंकर क्या दोस्तों, इसका जो मैस्कोट है वो लाइव इसका शुभंकर हो गया है। कौन सी फुटबॉल दोस्तों यूज होते छापना? दोस्तों एडिडास जो कंपनी है, इसने एक फुटबॉल बनाई दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों अल रहेला। छापेगा अल रहेला दोस्तों इसका नाम हो गया। फुटबॉल का नाम यही क्यों रखा दोस्तों? एक्चुअली में जो अभी दोस्तों मैंने नाम लिखवाया ना दोस्तों आपको इब्ने बतूता, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? अल रहेला। पूरा विश्व का दोस्तों दर्शन जो है ये इसकी पुस्तक का नाम था। एडिडास कंपनी ने इसको बनाया, लाइव इसका शुभंकर हो गया, कतर दोहा में आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की दोस्तों स्थापना कब होती है? 12 जुलाई दोस्तों छापना 1982 को होती है। कौन सी समिति की सिफारिश पर होती है? शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है। कहां दोस्तों इसका मुख्यालय है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और के वी साजी दोस्तों नोट करना आपके, इसके वर्तमान हेड कौन है? के वी साजी इसके वर्तमान हेड है। आगे आइए, मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दोस्तों भारतीय विजेता जो है कौन बने? रेमन मैक्सेस पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों नोट करना आपके, कौन दोस्तों भारतीय ने जीता? आपके पहले भारतीय विनोबा भावे। और आप देखना दोस्तों आपके बीपीएससी की जो परीक्षा 2 दिन पहले हुई है उसमें इनका सवाल परीक्षा में आपसे पूछा गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भूदान आंदोलन दोस्तों शुरू करने वाले कौन दोस्तों? भूदान आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले थे वो भी विनोबा भावे थे। भारत के पहले, यही सवाल आया दोस्तों, यही सवाल पूछा, भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही दोस्तों कौन थे आपके? वो भी दोस्तों नोट करना आपके, कौन दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये दोस्तों नोट करना कौन थे? ये थे विनोबा भावे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का दोस्तों प्रतिशत है? दोस्तों वायुमंडल दोस्तों पूछूं आपसे सबसे अधिक दोस्तों गैस कौन सी है? नाइट्रोजन दोस्तों गैस आपके सबसे अधिक है 78%। अगर पूछो दोस्तों ऑक्सीजन दोस्तों कितनी आपके? 21% छापना, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे जो वायुमंडल है उसमें दोस्तों कितनी परत दोस्तों मिलती है? दोस्तों आपके पहली दोस्तों जो परत है आपके, ये हमारा सोना बाबू हो गया भाई साहब, ये सोना बाबू हो गया, और ये दोस्तों इसकी सोना, ये भाई साहब हमारा रसगुल्ला हो गया, ये दोस्तों हमारी सोना बाबू हो गए, ठीक है। ये कहां पर दोस्तों? पृथ्वी पर निवास करते हैं। पहली दोस्तों परत जो होती है दोस्तों नोट करना आपके, पहली दोस्तों जो परत होती है इसका दोस्तों नाम होता है छोमंडल ट्रोपोस्फीयर। क्या होता है? छोमंडल ट्रोपोस्फीयर इसका नाम है। मौसम संबंधित दोस्तों, ये दोस्तों जब आप एक साथ दोस्तों खड़े होते हैं, इसके दोस्तों हाथ में दोस्तों छतरी होती है, क्या होती है? छतरी दोस्तों इसके हाथ में होती है, तो ऊपर से दोस्तों क्या आएगी? ऊपर से आएगी
दोस्तों बारिश है ना, फिर दोस्तों ये बारिश जैसी आएगी तो ये दोस्तों बोलेगा कि मेरी छतरी के नीचे आजा कमला, भीगे क्यों खड़ी खड़ी। तो अगर पूछे आपसे मौसम संबंधी घटनाएं कहां से होती दोस्तों, आपके बारिश हो गया, तूफान हो गया, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों अगर कभी परीक्षा में पूछ ले एरोप्लेन जो है वो कौन से दोस्तों मंडल में उड़ते, दोस्तों आपके समताप मंडल, नोट करना दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर। आप देखना कभी दोस्तों जो एरोप्लेन दोस्तों आपके फ्लाई करता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों उसने आपके दोस्तों आपके जैसे दोस्तों फ्लाई करना स्टार्ट किया तो एक बार दोस्तों जब ऊपर जाके वो सेट हो जाता है दोस्तों तो आपको एहसास होगा कि वो रुका हुआ है। वही दोस्तों कौन सी स्थिति है, वही दोस्तों आपके समताप जो मंडल है, ये दोस्तों आपकी स्थिति हो गई दोस्तों, ये आपके एरोप्लेन दोस्तों जो फ्लाई करता था। अगर पूछे दोस्तों आपसे एरोप्लेन जो है कहां दोस्तों फ्लाई करता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में करता है, समताप मंडल में। यही दोस्तों एक गैस मिलती है जिसका नाम दोस्तों क्या हो गया, ओजोन दोस्तों परत, जो नोट करना, ओजोन जो परत है वो अगर पूछे दोस्तों कहां मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। इसके दोस्तों संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कौन सा प्रोटोकॉल दोस्तों होता है, मॉन्ट्रियल दोस्तों प्रोटोकॉल जो है इसका दोस्तों आयोजन होता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में दोस्तों होता है, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो मनाते हैं। आगे आइए दोस्तों, ये आज के लिए आप सभी के लिए दोस्तों मेरी तरफ से समर्पित आप सभी के लिए, और ये फोटो आप सभी जानते हैं, शहीद भगत सिंह दोस्तों, और लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। शहीद भगत सिंह जिन्होंने दोस्तों भारत को आजाद कराने के लिए, मतलब दोस्तों आपके जिंदगी दोस्तों आपके लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। शहीद भगत सिंह दोस्तों इतनी छोटी सी उम्र के अंदर दोस्तों आपके इतना कुछ कर गए आपके शहीद भगत सिंह, ये दोस्तों वही युवा हैं शहीद भगत सिंह, स्वामी दोस्तों विवेकानंद, जनरल दोस्तों बिपिन रावत, जीवन पुष्प छड़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे नारे, जनरल दोस्तों बिपिन रावत। कुल मिलाकर दोस्तों ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए दोस्तों अपना जीवन न्योछावर करते हैं, हमें आजाद करने के लिए दोस्तों आपके अपना जीवन न्योछावर उन्होंने कर दिया। उन माताओं को दोस्तों सलाम, उन बहनों को सलाम दोस्तों, उन पत्नियों को सलाम जिन्होंने दोस्तों अपने बेटे को, अपने भाई को और अपने पति को सीमा पर भेजा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों उसके शहीद होने के बाद में उसके बेटे को या फिर अपने छोटे दोस्तों आपके बेटे को या अपने छोटे भाई को फिर सीमा पर भेजा, उन माँ उन बेटी दोस्तों उनको सलाम हमारी तरफ से, जो हमेशा दोस्तों इस मातृभूमि की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ी होती हैं। सोचो दोस्तों उन परिवार की आप स्थिति सोच के देखिएगा, पर देखना उनकी आंखों में दोस्तों एक अलग तरह का घमंड होता है ना, वो प्राउड दोस्तों फीलिंग वो होती है, आपके गर्व की दोस्तों फीलिंग उनके अंदर होती है, क्योंकि दोस्तों सबसे सर्वोच्च बलिदान उनके घर से आया है और वो दोस्तों हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्वागत है दोस्तों आप सभी का, और ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए और उन सभी दोस्तों योद्धाओं के लिए, उन वीर योद्धाओं के लिए जो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, ना सर्दी ना गर्मी ना धूप दोस्तों, ना कोहरा ना बारिश, कुछ नहीं देखते, वो जलती धूप में रेगिस्तान में खड़े होते हैं, वो बर्फ में दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सियाचिन में तैनात रहते हैं, वो हर परिस्थिति में हमारे साथ में रहते हैं। आइए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया पहला सुंदरवन वर्ल्ड फेस्टिवल जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया, शाम को आज 8 बजे आपकी क्लास होगी, मैं जोधपुर पहुंच जाऊंगा आज शाम को, कल नहीं ले पाया था, आज शाम को 8 बजे क्लास होगी, आप सभी की तैयार रहना, आज शाम को 8 बजे क्लास जो होने वाली है ये मैं क्लास आपकी लेने वाला हूँ जोधपुर से आप सभी के बीच में, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैगजीन दोस्तों आपकी मंथली मैगजीन आप सभी के बीच में, और जो सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुस्तक है आपके वार्षिकांक जो है करंट अफेयर्स का, वो भी आपके सामने है। 2022 की कोई भी घटना दोस्तों है, अगर दोस्तों मैं बताऊँ आपको बीपीएससी का दोस्तों एग्जाम हुआ, मैं इसको लगाना तो यहाँ पर दोस्तों भूल गया हूँ, पर जो बीपीएससी दोस्तों एग्जाम जो हुआ है ना, मैं आपको शाम को को करवाऊंगा पेपर को सोल्व दोस्तों, उस बीपीएससी के एग्जाम में, अभी रुकिए दोस्तों, उस बीपीएससी के एग्जाम में कुछ सवाल पूछे गए, 15 सवाल दोस्तों परीक्षा में आए थे, 100% मैंने आपसे कहा था 99% 100% परीक्षा के सवाल जो हैं वो इस बुक से पूछे गए थे, वो मैंने नंबर तो दोस्तों लिखवा लिए, पर मैं भी
आपके अभी तो नहीं लगवाऊंगा, शाम को आपकी क्लास में इसको लगवा दूंगा मैं आप सभी के बीच में, कि जो 100% सवाल दोस्तों पूछे गए। ये देखिए पहला सवाल दोस्तों आया था कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक दोस्तों सम्मानित किया गया है। ये सवाल फुल पत्ती वाले वार्षिक अंक में पेज नंबर 37 पे लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों पेज नंबर 196 पे लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों पेज नंबर 91 पे लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों पेज नंबर 192 पर लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों पेज नंबर आपके 22 और 245 दो बार लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों पेज नंबर आपके 33 पर लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों पेज नंबर आपके 280 पे लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों मतलब 280 इसका अंतिम पेज है, 280 दोस्तों इसका अंतिम पेज है, 280 पे लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों इसके अलावा 53 दोस्तों पेज जो है इस पे लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों आपके 71 पे लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों आपके पेज नंबर आपके दोस्तों आपके 25 पे लिखा हुआ है, एक सवाल दोस्तों आपके 86 पे लिखा हुआ है, एक सवाल 169 पे लिखा हुआ है, एक सवाल 39 पे लिखा हुआ है, एक सवाल 37 पे लिखा हुआ है, एक सवाल 76 पे लिखा हुआ है, एक सवाल पेज नंबर 19 और पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है। ये सारे 15 सवाल जो है मैंने पेज नंबर लिख दिए, शाम को पूरा पेपर दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट के साथ में। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए ये पुस्तक दोस्तों भारत में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक इसलिए बनी है क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ, मेरी टीम ने सब कुछ इसमें डाल दिया था। इसमें करंट अफेयर 2022 का एक भी सवाल आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं, है ना। 5 लाख इसके बिकने का दोस्तों कारण ही यही था कि इस पुस्तक के अंदर आपके कम पेज, 100 रुपए की बुक हमने निकाली आपके बीच में और 280 पेज की बुक है, करंट अफेयर्स के 12 टेस्ट इसमें है, वन लाइनर क्वेश्चन आपके बीच में। आप उससे पूछना जिसने पुस्तक ली है ना, एमपी का एग्जाम होने वाला, सो पटवार का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी में देखना आप, गर्दा उड़ाने वाली पुस्तक होगी आपकी, है ना। तो जम के मेहनत कीजिएगा आप सभी लोग, आइए रिवीजन दोस्तों करते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। परमाणु रासायनिक दोस्तों जैविक आतंकी हमला तर्कस अभियान दोस्तों आपके कहां पर हुआ, चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। खेलो इंडिया दोस्तों यूथ गेम्स आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। आगे देखिए दोस्तों, उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस दोस्तों इसका शुभारंभ करने वाली कौन, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपाल दोस्तों शुरुआत नियुक्त होते हैं, आर्टिकल नंबर 155 दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अब्दुल नजीर दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप दोस्तों शाखा जो है, स्टार्टअप का दोस्तों बड़ा रूप दोस्तों क्या होता है आपके, इसका आंसर लिखे दोस्तों, इसका आंसर हो गया गुरुग्राम, है ना। स्टार्टअप का दोस्तों बड़ा रूप क्या होता है, यूनिकॉर्न दोस्तों, क्या होता है स्टार्टअप जो है इसका दोस्तों बड़ा रूप क्या होता है, यूनिकॉर्न जो इसका बड़ा रूप है। जैसे दोस्तों एजुकेशन के अंदर से पूछूं आपसे, एजुकेशन दोस्तों आपके पहला दोस्तों यूनिकॉर्न कौन सा था, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो है वो दोस्तों एजुकेशन के अंदर आपके पहला यूनिकॉर्न है, आप जानते हो। वैसे दोस्तों 101 नंबर का यूनिकॉर्न है आपके, पर एजुकेशन दोस्तों आपके यूनिकॉर्न जो बना है वो फिजिक्स वाला, जिसकी दोस्तों परिसंपत्ति जो है दोस्तों आपके 101 दोस्तों बिलियन दोस्तों डॉलर जो है इससे अधिक दोस्तों हो चुकी है, इतना दोस्तों होना चाहिए यूनिकॉर्न बनने के लिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी, वन फैमिली वन दोस्तों आइडेंटिटी जो है ये पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया आपके, छापेगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसको मिला, एबीके प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। विश्व दोस्तों यूनानी दिवस आपके, ऑप्शन नंबर बी हकीम दोस्तों अजमल खान करेक्ट हो गया है। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल दोस्तों कमांड जो है वो दोस्तों नोट करना कि इस पुस्तक का दोस्तों विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया, मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब दोस्तों ये जीतने वाली कौन, ऑप्शन नंबर बी अदिति अशोक जो है इसको जीतने वाली थी। ये कल का सवाल आपके सामने, इकोनॉमिक सर्वे का सवाल दोस्तों, 23-24 में भारत की इकोनॉमिक जो रेट है, डेवलपमेंट दोस्तों रेट जो है वो दोस्तों कितनी रहने वाली है, इस सवाल का आंसर आपको छाप देना। आगे देखिएगा ये जैसा क्वेश्चन आप सभी के लिए, करंट अफेयर्स की मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों में वार्षिक अंक आपका उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा, अपना खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। शाम को 8 बजे आपके बीच में मिलने वाला हूँ वापस से, शाम को 8 बजे, और कल सुबह फिर 6:30 बजे ही आपके बीच उपस्थित रहने वाला हूँ। इस क्लास को जरूर लीजिएगा ना, मतलब इस क्लास को दोस्तों, कारण क्या है इस क्लास का, लाइव वॉचिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड होने का कारण दोस्तों ये है कि ये क्लास दिल से चलने वाली क्लास है ना, यहाँ से नहीं चलती है, दिल से चलती है। बिना छुट्टी के इस क्लास को लेने की कोशिश मैं लगातार करता रहता हूँ, 3 साल से यही प्रयास में लगा हुआ हूँ कि छुट्टी ना हो आपकी क्लास की, रविवार ना आपका रविवार ना मेरा रविवार,
अपनी शादी वाले दिन भी दोस्तों मैंने क्लास लिया आपकी, कोई भी दोस्तों इमरजेंसी होती है, कहीं जाना होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये क्लास आप तक पहुँच जाए। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। फिर से एक बार उन सभी शहीदों को, उनके परिवारों को हमारी तरफ से नमन, पूरे फूल पत्ती वाले परिवार की तरफ से नमन। आज कमेंट बॉक्स उन्हीं को समर्पित कर दीजिएगा। आज कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में कुछ मत लिखिएगा, क्लास के बारे में कुछ मत लिखिएगा, केवल दोस्तों उन्हीं के बारे में लिखना, जिससे अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति इस क्लास को देख रहा हो तो उसे गर्व फीलिंग हो, उन्हें प्राउड की फीलिंग हो सके। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।